हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 15th लेक्चर ऑफ जीएसटी। लास्ट लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर का पहला यूनिट कंप्लीट किया था दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई टीओएस। अब है वीओएस, वैल्यू ऑफ सप्लाई। बराबर है, जो भी हम सप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू क्या पकड़ना, वैल्यू क्या पकड़ना। सर ये काय के लिए पढ़ा, वैल्यू वैल्यू तो सर वही होगा ना जो हमारे बीच में ट्रांजेक्शन होगा, एक पर्सन दूसरे पर्सन के बीच। हाँ बेटा, वैल्यू वही होती जिसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। बराबर है, बट इसके अंदर एक बात है, क्या वैल्यू जो आपने डिक्लेयर किया वो मान लेना चाहिए गवर्नमेंट ने? आप तो ईमानदार हो, लेकिन कुछ लोग बदमाशी भी कर सकते हैं, तो उस केस में क्या? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देता हूं मैं, मिस्टर एक्स समझ लीजिए मिस्टर वाई के साथ डील करता है। बराबर है, दोनों आपस में डील करते हैं। कौन सी डील? फैन खरीदने की डील, पंखा खरीदना है। मिस्टर एक्स इज द सप्लायर, मिस्टर वाई इज द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। गुड्स क्या है? फैन है सर, गुड्स हमारे। बराबर है, एक फैन की कीमत बेटा रियल। अब मिस्टर ये सप्लायर है, ये क्या करता है? अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई रिलेटेड है, रिलेटेड पर्सन है। बराबर है, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मुझे याद है, जरा एक बार नजर घुमाना है तो घुमा सकते हैं। ये है बेटा रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन, ठीक है। अ पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन आर डीम्ड एज रिलेटेड इफ, ये सारी चीजों को आपको पढ़ाया है, ये एक बार आप पढ़ सकते हो। रिलेटेड अगर ऐसा कुछ रहा तो रिलेटेड माना जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है। अब जो नॉर्मल पंखा मैं मिस्टर जेड नाम के आदमी को, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मतलब नॉट रिलेटेड, उसको मैं 2500 में देता हूं और उस पर जीएसटी लगाता हूं ये वैल्यू पे। बराबर है, और वही पंखा मैं सेम मिस्टर वाई को, जो कि मेरा रिलेटेड है, उसको मैं 2500 का पंखा 1000 रुपए में दे देता हूं। सर ऐसा क्यों, चैरिटी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं चैरिटी नहीं कर रहा, इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है बताता हूं। 1000 रुपए में दिया, और ऐसे मान लीजिए उसने 10 पंखे लिया या 100 पंखे लिया, फॉर एग्जाम्पल बड़ा सोचते हैं, 100 फैन लिया, तो वो वैल्यू हो गई 1 लाख, और इस पे जीएसटी मान लीजिए 12% समझ लीजिए, तो ये हो गया 12000, ठीक। अब ये मिस्टर वाई क्या करता है, 1500 रुपए कम लिए, इस पे 100 रुपए के हिसाब से कितना होता है, 1,50,000, ये मुझे कैश में दे देता है। किसको चूना लग गया सर? गवर्नमेंट को चूना लग गया। मिस्टर एक्स को, मुझे सप्लायर को पूरे 2.5 लाख मिले, हाँ मिले। गवर्नमेंट को टैक्स कितने पे मिलना चाहिए था? 2.5 लाख पे। गवर्नमेंट को टैक्स मिला कितने पे? 1 लाख पे। ये क्यों हुआ ट्रांजैक्शन वैल्यू में चेंज? सर दोनों रिलेटेड पार्टीज हैं। क्या अगर दोनों अनरिलेटेड रहते तो ऐसा होता? नहीं, अनरिलेटेड को जनरली आदमी इस टाइप से नहीं करता है, अनरिलेटेड पर्सन को इस टाइप से नहीं करता है। तो ऐसे केस में रिलेटेड के लिए थोड़ा अलग से रूल्स, वैल्यूएशन रूल्स वगैरह है बेटा। लेकिन आप लोगों के सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये बहुत शॉर्ट रूप में ये चैप्टर है, बहुत ही शॉर्ट रूप में। फाइनल लेवल पे जब आप आओगे तो ये बहुत बड़े लेवल पे है ये चैप्टर, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारे पूरे रूल्स हमको पढ़ने हैं। अभी रूल्स ज्यादा नहीं है इसके अंदर, मतलब थोड़ा बहुत है। सेक्शन 15 पूरा है और उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है। सेक्शन बेटा याद कर लो, ये सेक्शन 15 है, मतलब अपन लोगों ने क्या क्या पढ़े, सेक्शन 7 से कहानी चालू है, सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट, सेक्शन 9 लेवी, सेक्शन 10 कंपोजिशन, सेक्शन 11 एग्जेम्पशन, सेक्शन 12 टीओएस, सेक्शन 13 टीओएस ऑफ सर्विस, सेक्शन 14 अपने सिलेबस के अंदर नहीं बैठा, सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ रहे नहीं समझ रहे? चलिए फिलहाल तो सेक्शन की बात अभी ज्यादा करूंगा नहीं। हाँ, तो ऐसे केस में वैल्यूएशन कौन बताएगा? वैल्यूएशन एज पर सेक्शन 15 डिटरमाइन किया जाएगा। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग वो देखेंगे व्यवस्थित, उसकी कोई बात नहीं। हाँ, और सप्लाई वैल्यू में क्या इंक्लूड करना क्या नहीं करना, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बराबर है, अभी कुछ डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मार्केट वैल्यू क्या होता है, फिलहाल ये डेफिनेशन जरा काम की है। फुल अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड, विच अ रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे टू ऑब्टेन गुड्स एयर सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड क्वालिटी और एट अबाउट सेम टाइम एट सेम कमर्शियल लेवल वेदर रिसिपिएंट सप्लायर आर नॉट रिलेटेड। मतलब पंखे का एग्जाम्पल दिया, तो वही पंखा अगर
दूसरे से लू, वही सेम काइंड क्वालिटी का, वही समय पे, तो कितने का, वही कमर्शियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल यानी होलसेल पे ले रहे, रिटेल पे ले रहे, तो फर्क हो सकता है बेटा। होलसेल प्राइस थोड़ा अलग रहता है, रिटेल प्राइस थोड़ा अलग रहता है, तो फर्क रह सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, देखिए एज यूजुअल यहाँ पे मैंने दो सेक्शंस दिए हैं। थोड़ा सा एनालिसिस करने के पहले थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर ध्यान आया तो बहुत अच्छी बात है, मैच्योरिटी आपकी बढ़ जाएंगी, बड़ी है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, समझ आया तो दाद देना, नहीं तो जाने देना, ठीक है ना। चलिए एक चीज बताता हूँ, क्या बता रहे सर आप? देखिए बेटा सेक्शन 9 था, सेक्शन 9 आपको याद होगा, ये क्या है, चार्जिंग सेक्शन है। किसका चार्जिंग सेक्शन है? जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है, बराबर है। चार्जिंग सेक्शन ये क्या बोलता है, जीएसटी लगता है, किस पे लगता है, सप्लाई पे जीएसटी लगता है, बराबर है। तो बेटा इसके कभी भी चार्जिंग सेक्शन में तीन चीज आती है, एक बात ध्यान रखना, कोई भी इकोनॉमिक लॉ में, मैंने ये चीज बताया था मुझे याद है, फिर से बताता हूं बेटा, कोई भी इकोनॉमिक लॉ में तीन चीज रहती है, लेवी, पर्सन लाइबल, कलेक्शन। पहले लागू होगा, पहले लेवी, पहले चार्ज क्रिएट करो, चार्ज क्रिएट होने के बाद लेवी हो गया, फिर उसके बाद से टैक्स कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद किससे कलेक्ट करेंगे, पर्सन लायबल टू पे टैक्स। आई बात समझ में? जीएसटी में भी वैसा है। तो अगर आप देखें तो पहला रहेगा आपका लेवी और दूसरा रहेगा कलेक्शन, बराबर है, कलेक्शन कब होना चाहिए, और तीसरा आपका रहेगा पर्सन लायबल टू पे टैक्स। हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स? पर्सन लायबल टू पे टैक्स, बराबर है। अब लेवी में अपन ने क्या क्या पढ़ा याद है आपको? लेवी के अंदर तीन चीज रहता बेटा, सबसे पहले तो चार्ज लगाना, लेवी लागू, चार्ज लगाने के बाद उसकी वैल्यू कितनी, पहले भैया इस पे जीएसटी लगेगा, लेवी कितनी वैल्यू पे लगेगा, वैल्यूएशन, और उसके बाद क्या रेट से लगेगा। आई बात समझिए? ये तीन जो चीजें बेटा लेवी के तहत आ जाएंगी। अगर आप इसको देखो तो इसके अपन तीन बायफर्केशन भी कर सकते हैं, क्या क्या होंगे जरा ध्यान देना। इसके अंदर सबसे पहले आएगा आपका चार्ज, क्या आएगा, चार्ज, चार्ज ऑफ जीएसटी किस पे लगेगा, उसके बाद आएगा वैल्यूएशन, वैल्यू, और ये वैल्यू किस हिसाब से, ये सेक्शन 15 के हिसाब से आएंगी, बराबर है, जिसको ट्रांजेक्शन वैल्यू कहा जाता है, टीवी, टीवी यानी ट्रांजेक्शन वैल्यू, मैं लिख देता हूं यहां पे, ट्रांजेक्शन वैल्यू यानी जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे बेटा उसकी वैल्यू क्या, और इसके बाद आएगा रेट, क्या रेट से आप जीएसटी कलेक्ट करोगे, ठीक है। अब रेट, अब रेट के अंदर तीन चीज है बेटा, रेट के अंदर सर तीन चीज कैसे, एक तो रहता है नॉर्मल रेट, एक रहता है आपको याद है कि नहीं पता नहीं, कंपोजिशन रेट। कंपोजिशन स्कीम के बारे में सुना है, कंपोजिशन, और तीसरा कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा मतलब एग्जेम्प्ट। मैंने बोला था एग्जेम्प्ट होने के लिए पहले लेवी होना बहुत जरूरी है, अरे जीएसटी लेवी नहीं है तो एग्जेम्प्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता, जिंदा ही नहीं है वो आदमी तो मरने का तो सवाल ही नहीं उठता, मरेगा वही जो जिंदा रहता है, तो इसलिए पहले लेवी लागू करो उसके बाद एग्जेम्प्शन। ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जीएसटी का, ये सब मैंने ऊपर बताया आपको पूरा। अब एक दिमाग में आया मेरे की चार्ट बनाते हैं, ऐसा बना सकते हैं, लेवी का चार्ज है, वैल्यू और रेट, बराबर है। चार्ज के कैसा, चार्ज भैया सप्लाई, चार्ज क्या है, सप्लाई ऑफ किस पे लगता है, सप्लाई पे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सप्लाई कहा देखा अपने सर सेक्शन 7 में, याद है कि नहीं, और फिर सप्लाई का तो एक अलग ही चार्ट बना सकते बेटा, अगर बनाना है तो देख लो, याद कर लो, सप्लाई, सप्लाई किस चीज का, सेक्शन 7-1, 7-2, 7-1 में भी दो पार्ट है, याद है कि नहीं पता नहीं, मैच्योरिटी बढ़ाओ विथ कंसिडरेशन, ये है विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 2-3 एक्सक्यूज मी, विदाउट कंसिडरेशन All forms of supply, including sale, transfer, barter, exchange, याद होगा ये सब पढ़ा हुआ था, ठीक है ना, ये with consideration के अंदर आते हैं सब चीजें। चलिए जाने दो, supply को बाद में पढ़ाता हूँ। हाँ, collection में क्या होता है, collection कब करने का, TOS कब रहता है, TOS section 12 में देखा और section 13 में देखा, जो आपको पिछले इसमें पढ़ाया था। Person liable to pay tax कौन रहेंगे,
हु इज पर्सन लायबल टू पे टैक्स? एक तो नॉर्मल चार्ज, नॉर्मल चार्ज में कौन पर्सन लायबल टू पे टैक्स रहता बेटा? नॉर्मल चार्ज में सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स, मैं लिख देता हूं सप्लायर, और उसके अलावा क्या रहता? RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसमें रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। और एक और रहता है बेटा ECO, 9-4 में अपन ने ECO पढ़ा था, याद है क्या? हाँ सर, ECO के बारे में भी थोड़ा बताया था, ECO इज लायबल टू पे टैक्स, बराबर है? ECO 9-4, 9-4 था, 9-5 था, 9-5 था, सॉरी 9-5 था शायद, हाँ, जो भी सेक्शन, नॉट इम्पोर्टेंट। समझ आई क्या कहानी? ये है GST, इसके बाद इनपुट टैक्स, अभी तक की कहानी है सेक्शन 15 तक, जो आज के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बेटा अपन स्टार्ट करेंगे इनपुट टैक्स का, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हो, उसके बाद जो चार चैप्टर है वो चिल्लर चिल्लर है, चिल्लर चिल्लर मतलब बहुत ही चिल्लर चिल्लर, एक एक दो लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाता है, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, चारों चारों चैप्टर को, 7th रजिस्ट्रेशन, 8, 9, 10 बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, रिटर्न वगैरह, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, सब 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 आ जाता है। तो ये है जीएसटी का ओवरव्यू, समझा तो अच्छी बात, मैच्योरिटी बढ़ाओ, ठीक है ना, पॉज करके ड्रॉ कर लेना, याद आ जाएगा। चार्ट, ऐसे चार्ट आप खुद भी बना सकते बेटा, ऐसा कोई अकल वाली काम नहीं है, चार्ट बनाना कोई अकल का काम नहीं है, तो मैं बना के दे रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो चलिए अब जरा यहां पे देख लेते हैं एनालिसिस, ये पूरा एनालिसिस यहाँ पे स्टार्टिंग में, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे, बेसिकली स्टैचुटरी प्रोविजन, सीधा एनालिसिस पे हम लोग आ सकते हैं। CGST law has different provision for determining value of supply of goods and in the following situation, goods या services, दोनों चीज आ गई, different provision है। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहां पे CGST rules भी आते हैं, section 15 भी आता है, दोनों चीजें आती है, जरा ध्यान दो। Supplies में solely for price in money, that is monetary consideration to unrelated person, ये deal करता है section 15 subsection 1, यानी ये क्या है, सोल्ली सिर्फ और सिर्फ पैसे लिए और मॉनेटरी कंसिडरेशन, और दिया किसको, अनरिलेटेड यानी रिलेटेड नहीं थे, बराबर है, तो ये सेक्शन 15 बताता है। इसके अलावा सप्लाईज में सोल्ली फॉर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, पैसे नहीं लिए और पार्ट मॉनेटरी पार्ट नॉन मॉनेटरी, इन्वॉल्विंग एडिशनल कंसिडरेशन टू रिलेटेड पर्सन और स्पेसिफाइड क्लास ऑफ सप्लाई, तो सब सेक्शन 4 और 5 लगेंगे, यानी या फिर डीड विथ वैल्यूएशन रूल्स, CGST रूल्स जिसको बोलते हैं वैल्यूएशन रूल्स। सर ये क्या होता है, हमको पूरा नहीं समझा, कोई बात नहीं, सबसे पहले रिलेटेड पर्सन क्या होता है उसकी बात कर लो, सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल, ये सब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, ये रहा सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सब रिलेटेड पर्सन, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा, पहले ही पढ़ा चुका हूं, शायद सेकंड या थर्ड चैप्टर में आप लोगों को रिलेटेड पर्सन के बारे में पढ़ा दिया था, एक बार आप इसको पढ़ सकते हो, वीडियो वापस भी देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं रिलेटेड फिलहाल, रिलेटेड नॉन रिलेटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, इस सेक्शन में यदि आप लिखना चाहो तो एक पते की बात आपको लिखाता हूं, क्या पते की बात है, इस सेक्शन में जो भी, जैसे आप लिख सकते हैं इन दिस सेक्शन, मैं लिख देता हूं इन दिस सेक्शन सप्लाई, क्या बोला मैंने, इस सेक्शन सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इज मनी, सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन मतलब जो भी आप गुड सप्लाई कर रहे हो उसके अंदर कंसिडरेशन है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस इज फॉर कंसिडरेशन, वो भी इन मनी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज फॉर कंसिडरेशन, वो भी इन मनी, समझ आई क्या बात सर? तो एक काम कर, तो सेक्शन पढ़ लो पहले, फिर उसके बाद वापस इस बात पे आऊंगा। व्हेन ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज मेड बिटवीन टू पर्सन, पर्सन कौन, डेफिनेशन ऑफ पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, हु आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, और रिलेटेड क्या होता है वो आपको मालूम है, यानी अनरिलेटेड पर्सन चाहिए, रिलेटेड नहीं चाहिए, कौन से चाहिए, नॉट रिलेटेड मतलब कौन हो गया भैया, कौन चाहिए आपको, सर हमको चाहिए अनरिलेटेड पर्सन, ठीक है, नॉट रिलेटेड मतलब अनरिलेटेड पर्सन, एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन,
कंसिडरेशन की डेफिनेशन आपको मालूम है, फॉर द सप्लाई। अच्छा यार ये दो ही कंडीशन है सिर्फ, कंडीशन टू क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन सप्लाई इज बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन, दूसरी कंसिडरेशन प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। प्राइस के अलावा, मनी के अलावा और कछु नहीं दिया, सिर्फ पैसे दिए और उसके अलावा और कुछ नहीं दिया। अगर ऐसा ट्रांजेक्शन होता है तो जो भी वैल्यू सप्लाई की रहेंगी, जो भी रेट में सप्लाई किया जाएगा, दैट विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज चार्ज्ड। वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। ध्याने द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ। जो भी प्राइस एक्चुअली पे किया या पे और करने वाला है, जब सप्लाई अनरिलेटेड पर्सन के बीच में है, यानी सर्विस सप्लायर और रिसिपिएंट बोथ आर अनरिलेटेड, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सेल, बस प्राइस ही दिया इसके अलावा और कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं होता इसके, जैसे मान लीजिए आपका, जैसे कोई स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आ रहा, उसके पापा का कोई पर्टिकुलर चीज का काम है, बिजनेस है, और वो उनका बिजनेस और मैं उससे 50,000 रुपये का कोई सामान लेता हूँ, गुड्स लेता हूँ, और उनको बच्चे को पढ़ाने की फीस है 30,000 रुपये। तो अब इसके अंदर वो मेरे से वो सामान के 20,000 अगर लेते हैं, तो क्या प्राइस सोल कंसिडरेशन फॉर सेल हुआ? नहीं सर, वो प्राइस के अलावा मैंने उनके बच्चे को पढ़ा के भी दिया, आपने उनके बच्चे को पढ़ाया उसके 30,000, तो यहां पे ट्रांजेक्शन वैल्यू इस हिसाब से नहीं निकलेंगी। फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के हिसाब से तभी आएंगी, और वो क्या रहेंगी वो बताता हूं, तभी आएंगी दो कंडीशन। क्या? सप्लाई शुड बी बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन, यानी जिनके बीच में सप्लाई हो रहा उनका आपसी कोई रिश्ता नहीं है, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन आप देख सकते हैं। सेकेंड, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। अगर ऐसा रहा तो व्हाट विल बी द वैल्यू सप्लाई? इट विल द ट्रांजेक्शन वैल्यू। एंड व्हाट इज ट्रांजेक्शन वैल्यू? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, भैया अभी पे कर दिया बाद में पेबल है, लाइबिलिटी है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। समझ आया होगा आई होप। यस सर, समझ तो आया। एक चीज और देख लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिस इज द प्राइस फॉर स्पेसिफिक सप्लाई दैट इज बींग वैल्यूड। It includes the amount already paid at the time of supply, is being valued for tax as well as amount payable not had been paid at time. देखिए कभी कभी क्या होता है, आपने कोई 1,00,000 की चीज खरीदी, हो सकता है आप अभी 50,000 दो, 50,000 आप एक महीने बाद दो, अमाउंट पेड 50,000, अमाउंट पेएबल 50,000, बराबर है 1,00,000, लेकिन वैल्यू कितनी पकड़ेंगे? गुड्स की कीमत कितनी जीएसटी के लिए? 1,00,000 पकड़ेंगे सर, एक्चुअली पेड और पेएबल, बराबर है। द वर्ड पेएबल रिफर्स टू द प्राइस दैट इज एग्रीड टू पेड फॉर द गुड्स और सर्विसेस। आप एग्री करते हो कि मैं एक महीने बाद ये पैसा दूंगा, ठीक है। अब बहुत सारे मन में ख्याल आना स्टार्ट अभी से हो जाएंगे, बिल्कुल आने भी चाहिए। और वो सारे ख्यालों का आंसर आगे है, इसलिए अभी ख्याल अपने दिमाग में जो आ रहा है उसको साइड में लिख के रख लो, बाकी कुछ मत करिए, ठीक है ना? ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल दिया है। होलसेल प्राइस फॉर 1 मेट्रिक टन ऑफ सीमेंट सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज 7,000। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हर आदमी को ये जो मिक्सर एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, 1 मैट्रिक टन सीमेंट 7,000 में देती है, और यही 1 मैट्रिक टन सीमेंट एक्स लिमिटेड ने एक अनरिलेटेड कस्टमर को दिया 6,700 रुपए में। अरे क्यों कम किया? तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए, क्यों कम किया? क्या वो रिलेटेड है? नहीं, अनरिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय एक्स टू वाई फॉर 6,700, प्राइस इज एक्चुअली पेड और पेबल एंड नॉट द होलसेल प्राइस। आई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, आपको सिर्फ दो चीज देखनी है, क्या देखना है? दो चीज के अंदर, पहला, क्या दोनों आपस में रिलेटेड है? क्या नहीं सर अनरिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या प्राइस सोल कंसिडरेशन फॉर सेल है? 6,700 के अलावा और कुछ भी नहीं लिया? नहीं सर नहीं लिया। तो भैया ये 7,000 होलसेल प्राइस से हमको कोई मतलब नहीं, हम जीएसटी की वैल्यू के लिए 6,700 पकड़ेंगे। कितना पकड़ेंगे? 6,700 रुपया। समझे नहीं समझे? हम जीएसटी की वैल्यू के लिए 6,700 रुपए पकड़ेंगे, ठीक है। हमने को कम में दिया, फ्री में दिया, उससे मतलब नहीं। हमको सिर्फ दो कंडीशन देखनी है, मैं बार बार कह रहा हूं, अपना दिमाग लगाना नहीं सर ऐसा कैसा। नहीं, कंडीशन टू क्या? पहली अनरिलेटेड, क्वेश्चन में दिया रहेगा, सिंपल सी बात है, रिलेटेड है कि अनरिलेटेड है? दो में से एक भी कंडीशन वॉयलेट होती तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के हिसाब से वैल्यूएशन नहीं होगा, दूसरे तरीके से होगा। पढ़ाऊंगा दूसरा तरीका क्या है, आई बात समझ में? और 15 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? अगर अनरिलेटेड है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सेल,
ट्रांजेक्शन वैल्यू को सप्लाई मान लो, काम खत्म, द प्राइस विच इज एक्चुअली पेड और पेबल. द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस शैल ऑर्डिनरीली, बोल्ड लेटर्स में लिया है, बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू. ऑर्डिनरीली ट्रांजेक्शन वैल्यू रहती है. और ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होता है? जितने में ट्रांजेक्शन होता है उसकी कीमत क्या होती है? प्राइस पेड और पेबल when the parties are not related and price is the sole consideration for sale. Section 15 of CGST Act further elaborates various inclusion and exclusion ambit of transaction value. For example, transaction value shall not include discount allowed subject to condition. ये सब चीजें बाद में आएंगी, लेकिन section 15 के हिसाब से valuation तभी होगा जब ये condition satisfy होंगी. यदि ऐसा नहीं होता है तो valuation rules पे जाना पड़ेगा. तो बेटा एक जरा नोट यहां लिख लोगे तो आपके फायदे में काम हो जाएगा. नोट ये आप लोगों ने लिखना चाहिए, पहले मैं लिख देता हूं, आप जरा ध्यान दीजिए. इन केस वेयर नंबर पहला, देयर इज नो प्राइस इन ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई, देयर इज नो प्राइस इन द ट्रांस, मैं लिख दू, देयर इज नो प्राइस इन द ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई, प्राइस शुड बी सोल कंसिडरेशन, अब प्राइस ही नहीं है, या फिर सप्लायर और रिसीपियंट आर रिलेटेड, या फिर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन. Full consideration for sale. ये और है, ठीक है. अगर ऐसा में से एक भी ऐसा हो जाता है तो फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे निकलेंगी? सेक्शन 15 के हिसाब से नहीं निकलेंगी. इन अबव केसेस ट्रांजेक्शन वैल्यू, या ट्रांजेक्शन वैल्यू ना बोल के वैल्यू, वैल्यू ज्यादा बेटर वर्ड है बेटा. इन अबव केसेस वैल्यू shall be determined as per CGST valuation rules, या सिर्फ CGST rules लिख सकते, rules के हिसाब से valuation किया जाएगा यदि ऐसा रहता है तो, नहीं तो section 15 में valuation हो जाएगा. सीधी बात है, हर question में ये चीज दी हुई रहेगी. आगे चलेंगे रिलेटेड की डेफिनेशन आपने. अब वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड करना, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा ये, बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऐसा सर, हाँ आपको पहले कहानी बता तो, वो आपको याद होगा मैंने टोबैको पे आपको बताया था कि एक्साइज भी है और जीएसटी भी है. याद करो, टोबैको पे एक्साइज भी है और जीएसटी भी है. मुझे एक बात बताइए, मैंने टोबैको, मैं टोबैको की फैक्ट्री वाला हूं, उसका टोबैको का जो बेसिक प्राइस है वो 1,00,000 रुपए है, जो मैं अभी गुड्स बाहर निकाल रहा हूं फैक्ट्री पे. अब एक्साइज ड्यूटी का ये रूल था, एक्साइज ड्यूटी इज लेवेबल ऑन रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स रिमूव कर रहा हूं, टोबैको पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, हाँ 30% है समझ लीजिए, 30,000 रुपए एक्साइज ड्यूटी हो गई. टोटल वैल्यू कितना हो गया? 1,30,000. सवाल ये उठता है जीएसटी किस पे लगेगा? 28% जीएसटी है बेटा, ये किस पे लगेगा? 1,30,000 पे कि 1,00,000 पे? टैक्स पे टैक्स लगता है क्या? हाँ. द वैल्यू शैल इंक्लूड सर्टन एलिमेंट्स विच आर एन्यूमरेटेड डिस्कस्ड, टैक्स ड्यूटी सेस फीस, सब तरह के चार्जेस वैल्यू में इंक्लूड करने हैं, सब तरह के चार्जेस वैल्यू में इंक्लूड करने हैं. यानी जो एक्साइज ड्यूटी है भी वैल्यू में इंक्लूड होगा, मतलब जीएसटी इस पे लगेगा 1,30,000 पे. कितना होगा जो भी आएगा सर? फिर क्या क्या इंक्लूड करना है? सब कुछ इंक्लूड करना है. क्या सब कुछ? मैं बता देता हूं क्या छोड़ के, क्या छोड़ना है. चार्जेस अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपेंसेशन सेस, और साथ में आईजीएसटी भी लिख सकते हैं. जीएसटी लॉ के अलावा और कोई भी टैक्स है वो सारा के सारा बेटा इंक्लूड करना पड़ेगा, और उसके बाद ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा. ये है वैल्यूएशन रूल नंबर 5, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2.
अब इसका डिटेल कहाँ है बेटा, वो भी आपको बताता हूँ। ये सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 और ये जो आगे पॉइंट्स है डिस्कस बिलो, ये छोटे छोटे, जैसे अब ये मैंने आपको अभी पढ़ाया, ये सब सेक्शन ए है, ये सब सेक्शन बी है, बराबर है। उसके बाद ये सब सेक्शन सी है और ये इसके साथ ही है, दोनों एक ही है। ये सब सेक्शन डी है और ये सब सेक्शन ई है, और इन्हीं को मैंने डिटेल के अंदर और आगे एक्सप्लेनेशन किया है। चीज समझिए आप, ठीक है ना। तो मतलब क्या निकला, मतलब ये होता है कि हम सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, उसमें ए बी सी डी ई पांच चीजें पढ़ने वाले हैं। ए बी सी डी ई हमारा हो जाएगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 सब सेक्शन 3। सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 पढ़ा, वो क्या था देख लो, याद कर लो बेटा। सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 पढ़ा अपन ने, वो था अपना ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू अपन एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे, अपन ने गवर्नमेंट एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। कब एक्सेप्ट करेंगे एज इट इज, जब सप्लाई बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन है और दूसरा प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सेल। तो जो भी आपके बीच में डील हुई, ट्रांजेक्शन वैल्यू इज व्हाट द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ, बराबर है। अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको वैल्यूएशन रूल्स पे आना पड़ता है वैसे, या कुछ और तरीके से डिटरमाइन होता है। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 अभी फिलहाल कहता है कि भैया ये जो वैल्यू सप्लाई आपने बोला, ये वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, वो है इंक्लूजन सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में। इसके बाद आता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 जिसमें है एक्सक्लूजन, क्या क्या एक्सक्लूड होना चाहिए वैल्यू के अंदर। ये तीन मेन सेक्शन है बेटा जो अपने को पढ़ दें। और उसके बाद जो आता है एक छोटा सा 15 सबसेक्शन 4 और 5, एक्चुअली रूल्स आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, 15 सबसेक्शन 4 और 5 में छोटा सा चीज दिया हुआ है, वो आपको पढ़ा देता हूं। रूल्स आपके सिलेबस में, रूल्स फाइनल लेवल पे, रूल्स पे बड़ा मजा आता है, बहुत घुमाते हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अभी बहुत लकी हो आप, जीएसटी बहुत सिंपल लेवल पे, मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए जीएसटी अच्छे से करो बेटा, अच्छे से करो, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में। अपने को एग्जेम्पशन से मतलब, सीधी सीधी बात, और एग्जेम्पशन जीएसटी दिला सकता है। डायरेक्ट टैक्स पढ़ने के भरोसे एग्जेम्पशन नहीं आ सकता, ये लिख के ले लो। इतना सारा पढ़ना है और इतने मार्क्स है, और जीएसटी में इतना पढ़ना है और इतने मार्क्स है, वॉट इज बेटर, ऑब्वियसली जीएसटी। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ना, डायरेक्ट टैक्स पढ़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स स्कोर करने में मदद जीएसटी करेगा बेटा, ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस, इंसिडेंटल एक्सपेंस की बात कर ले एक बार। सबसे पहले ये ए पार्ट की बात करते, ठीक है, ये रहा ए पार्ट आपका। एक एक पार्ट को हमको आपका लगभग 10-15 मिनट लगेंगे, अरे कंप्लीट हो जाएगा 2 आवर्स के अंदर, चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड कंपेंसेशन सेस, बेटा जीएसटी कौन कौन से है? सर सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, यूटीजीएसटी है और कंपेंसेशन सेस। इन पांच टैक्स के अलावा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस, कोई भी फीस, कोई भी चार्ज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एक्सेप्ट दिस फाइव लॉ। ये जीएसटी एक्ट अलग है, ये 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 पांच लॉ को छोड़ के। अगर कोई ऐसा सप्लायर सेपरेटली चार्ज करता, जैसे मैंने अभी टोबैको एक एग्जांपल दिया, क्या चार्ज किया, क्या कौन सी ड्यूटी चार्ज की, एक्साइज ड्यूटी, तो भैया दैट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ इंटरेस्ट, ये तो इंट्रास्टेट सेल के बारे में ये तीन चीज आती है, ये और ये, और इंटरस्टेट सेल के बारे में आईजीएसटी। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल आईजीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड अदर देन आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपेंसेशन सेस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इन इफेक्ट ऑफ ऑल टैक्सेस ड्यूटीज एक्सेट्रा विच आर नॉट। मतलब एक काम, एक अपन ने एक डायग्राम देखा था, टैक्सेस सबसम्ड इन जीएसटी, टैक्सेस नॉट सबसम्ड इन जीएसटी। जो जो टैक्सेस जीएसटी में सबसम नहीं हुए, मतलब जीएसटी के अलावा आज भी लगते हैं, वो सब टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बनेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी निकलेगी उसको उसको उसके अंदर उसको जोड़ना पड़ेगा। 15 सबसेक्शन 1 को ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, 15 सबसेक्शन 2 और 3 उससे अलग नहीं है। मतलब जो ट्रांजेक्शन वैल्यू आती है, अगर 15 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल हो गया तो ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, और वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में है, और कुछ चीजें एक्सक्लूड होनी चाहिए जो 15 सबसेक्शन 3 में है। आई बात समझ में? यानी सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में जो वैल्यू आती है उसमें इंक्लूड करना है 15 सबसेक्शन 2 वाले, और एक्सक्लूड करना है 15 सबसेक्शन 3 वाले। सीधी सीधी बात।
ठीक है, अब ध्यान देना. फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल दिया है, इफ सप्लायर ऑफ गुड्स पेज म्यूनसिपल टैक्स इन रिलेशन टू गुड्स विच आर सप्लाइड, उसके लिए म्यूनसिपल टैक्सेस भर रहा है, जैसे ऑक्ट्राय वगैरह कई बार रहता है. तो भैया ऑक्ट्राय वैसे आजकल हट गया बेटा, सब सम हो चुका है, लेकिन अगर ऐसा रहा LBT लोकल बॉडी टैक्स, तो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई और उसके ऊपर GST लगेगा. तो अब एक यहाँ पे TCS के बारे में, कुछ लोग गुड सप्लाई करते हैं, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा था ये चीज, TCS लगता है, तेंदू लीव्स, टोबैको, सिगार, ये सब जो थे क्या कहते हैं वुड, इन सब के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के तहत TCS लगता था पूरा, अपन 2.5%, 1%, 5% सब देखा था अपन ने. Not to be included in taxable value for purpose of GST. TCS अलग से क्लियर कलेक्ट किया जाता है, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे इनकम टैक्स भी इंक्लूड कर रहे, है ना, इट इज अपार्ट फ्रॉम GST, इसलिए क्लैरिफिकेशन आया. ये क्लैरिफाई किया गया, फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड द GST, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वुड नॉट बी इंक्लूडेबल एज एन इंटरिम लेवी नॉट हैविंग कैरेक्टर ऑफ टैक्स, क्योंकि इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इट इज एन इंटरिम लेवी, ये बाद में आपको इसका क्रेडिट मिलता है, बराबर है ना, इट इज नॉट हैविंग द कैरेक्टर ऑफ टैक्स, ये इंटरिम जैसे TDS है, इट इज इंटरिम लेवी, बराबर है, नॉट हैविंग कैरेक्टर ऑफ टैक्स, वैसे गुड्स पे TCS लगता है, बराबर है. चलिए ये आपका हो गया 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए. अब आता हूं 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में, बहुत आसान है, बहुत आसान. मैंने क्लासरूम बनाया, मैंने एक क्लासरूम बनाया आप लोगों के बैठने के लिए, और मैंने उसके अंदर एयर कंडीशंस लगाने का सोचा, भैया एयर कंडीशंस लगाना है, और मैंने मित्सुबिशी कंपनी के एयर कंडीशंस उनको बोला कि भैया मुझे पूरा क्लासरूम इसमें करना है. एयर कंडीशंस तो आपको ही लगाने हैं, और साथ में एयर कंडीशंस के लिए जो जो इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत है भाई, फिटिंग्स, स्विचेस वगैरह वगैरह, वो भी सब आपको करना है. आप मुझे पूरा कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, मतलब कोटेशन दीजिए. और आपने कोटेशन दिया, आप मित्सुबिशी वाले हो समझ लीजिए, आपने भैया 14.5 लाख रुपए समझ लीजिए पूरे, या 10 लाख रुपए, 15 लाख, 11.5 लाख रुपए, 11.5 लाख रुपए समझ लीजिए पूरे एयर कंडीशंस के लगेंगे, और 50,000 रुपए इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लगेंगे, फिटिंग करना इंक्लूडिंग मटेरियल ऑल एक्सेट्रा. मैंने एग्री कर लिया, ठीक है भैया कोई बात नहीं, 12 लाख रुपए में टोटल अपनी डील हो गई, ठीक है. अब क्लासरूम बनाने में डिले हो रहा था कोरोना के कारण, कोई बाहर से आ नहीं पा रहा था, वो बाहर की कंपनी है ना, बाहर से आने मुंबई वगैरह में है उनका ऑफिस, आ नहीं पा रहा था. तो उन्होंने बोला एक काम कीजिए सर, अभी इलेक्ट्रिशियन हमारा आना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आप एक काम कीजिए ना, आप अपने इलेक्ट्रिशियन जो भी आपके पहचान का है उससे आप इलेक्ट्रिक का काम एटलीस्ट करवा लीजिए, हम उसको बता देते क्या क्या लगाना है क्या नहीं, आप वो काम करवा लीजिए दूसरे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से, और आप हमको 50,000 रुपए जो आपको हमको देने हैं, जो आपको हमको देने हैं वो आप कम करके दे देना, कॉन्ट्रैक्ट अपना 11.5 लाख का हो जाएगा फिर. मैं बोला ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे तो 12 लाख किसी ना किसी को देना ही है. तो ऐसे केस के अंदर अब होता क्या है, मैं मित्सुबिशी के बिहाफ में, काम किसका था कॉन्ट्रैक्ट में, किसके मेंशन था, मित्सुबिशी कंपनी के, मैं उसके बिहाफ में 50,000 रुपए इलेक्ट्रिशियन को दे रहा हूं, और अब मैं उसको कितने पे करूंगा, 11.5 लाख. वॉट विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू, GST 11.5 लाख पे लगेगा कि 12 लाख पे लगेगा. मित्सुबिशी का कॉन्ट्रैक्ट मेरा 12 लाख का है, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनके बिहाफ में वो इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर पाए, तो मैंने उनके बोलने पे उनके बिहाफ में 50,000 रुपए का काम दूसरे इलेक्ट्रिशियन को दे दिया. दूसरे इलेक्ट्रिशियन ने वो काम किया, कायदे से मित्सुबिशी ने उसको पेमेंट करना चाहिए, लेकिन मैंने उनके बिहाफ में पेमेंट करके 50,000 रुपए उनके टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 12 लाख से डिडक्ट करके उनको 11.5 लाख पे कर दिया. समझ आया क्या मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुन लेना रिवाइंड करके. इसका मतलब ये होता है, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या पकड़ना, मित्सुबिशी कंपनी जब आपको बिल देंगी, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का बिल, और बोथ किस हिसाब से चार्ज लगाएंगी, 12 लाख पे कि 11.5 लाख पे. तो यहां सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी बोलता है 12 लाख पे, क्योंकि पेमेंट किसके बिहाफ में किया, मित्सुबिशी के, जरा ध्यान देना, यानी 12 लाख पे GST लगेगा, ठीक है. पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी वो इलेक्ट्रिशियन बाय द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट यानी मैं, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, सप्लायर यानी मित्सुबिशी कंपनी, इन रिलेशन टू सप्लाई. ऐसा अगर होता है तो क्या होगा, लाइबिलिटी भी इनकर कर दी मैंने उनको 11.5, 50,000 इसको दूंगा तो भी, ठीक है ना, देना तो मुझे पेड और पेबल. सप्लायर में नीड टू इनकर वेरियस एक्सपेंस इन ऑर्डर टू मेक पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ही वुड पे दिस अमाउंट, भाई सप्लायर ही पे करेगा.
then they would form a value that he charged from the customer. However, even if customer make direct payment to some of the such liabilities, जैसे electrician का case था, supplier does not include this amount in bill, अब वो 11.5 लाख का bill देगा, it will still form part of value of supply. तुम accounting purpose के लिए भले ही 11.5 लाख लिखो, तुम्हारा bill 11.5 लाख का बनेगा, तुम्हारे पैसे check से 11.5 लाख रुपए आएंगे, लेकिन GST को accounting से मतलब नहीं है. जीएसटी वाले बोलेंगे भैया तूने 11.5 लाख लिया, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को जो टैक्स चाहिए वो 12 लाख पे चाहिए. सिंपल सी बात, उतना जीएसटी भर दो, काम खत्म. नो डाउट मुझे क्रेडिट उतने का मिल जाएगा, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जीएसटी वाले को जीएसटी 12 लाख रुपए पे चाहिए बेटा. सिंपल सी बात, समझ आई कहानी? हाँ, इसका ही बेटा एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ये सेम एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, ये कैटरिंग वगैरह से रिलेटेड है, आप इसको पढ़ सकते हो. Point to be noted here is that amount paid by the recipient to third parties will be added to the value under this clause. Underline karna only when supplier is contracted liability to make payment to such third party and the said payment is in relation to such supply. आपने मेरे से contract किया था, मतलब आप मित्सुबिशी वाले हो, आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भैया विद इलेक्ट्रिशियन भी फिटिंग्स दूंगा, अब आप कर नहीं पा रहे तो आपने मुझे दूसरा इलेक्ट्रिशियन भेजा और आपने बोला सर उसको प्लीज 50,000 रुपए दे देना, हमारे कॉन्ट्रैक्ट से काट लेना. अगर मैं 50,000 उसको फिर नहीं देता, नहीं मैं तो देता ही नहीं, मैं तुमको 12 लाख दूंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो मित्सुबिशी को उसको 50,000 देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे सर, इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी. यानी वो जो सप्लायर है उसकी उस थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी रहनी चाहिए इन रिलेशन टू सच सप्लाई, ये बात ध्यान रखना, तभी ऐड होगा, नहीं तो कोई भलता पेमेंट है तो ऐड नहीं होगा. कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे ध्यान देना, अब इस केस के अंदर नहीं ऐसा है ना, हाँ थर्ड पार्टी बराबर बराबर सही है सही है, कोई गड़बड़ नहीं. चलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते बेटा, ये आपके लिए है एग्जाम्पल, ऐसा विशेष नहीं है. हाँ इसके बाद में आता हूं बेटा एक और चीज पे, जो है इंसिडेंटल एक्सपेंस. क्या है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंस क्या होता पता है? जैसे कमीशन, पैकिंग. अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, आप ध्यान देना. मेरा ग्लास का बिजनेस है, कांच का. मैं ग्लास के फ्रेम्स बनाता हूँ, अच्छे अच्छे क्वालिटी के, मैं नागपुर में, मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में सप्लाई करता हूँ, जहाँ से ऑर्डर आए. महाराष्ट्र के एक, इसके पुणे मुंबई के एक कस्टमर ने मुझे बोला भैया आप गुड्स बाहर सप्लाई करते क्या? मैंने हाँ सप्लाई करता हूँ, मैं नॉर्मल पैकिंग करके देता हूँ, अच्छी पैकिंग. लेकिन उसके स्पेशल रिक्वेस्ट पे, उस पे स्पेशल, उसके स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने वुड में, वुडन बॉक्सेस आते हैं मालूम, सुना होगा आपने, ग्लास पैक करने के लिए वुडन बॉक्सेस, मैंने वो वुडन बॉक्सेस में वो ग्लास को पैक किया उसके स्पेशल रिक्वेस्ट पे. अब इसका जो एक्स्ट्रा मुझे पैकिंग कॉस्ट लगा ग्लास की वैल्यू के अलावा, ये पैकिंग मैं किससे लूंगा? रिसिपिएंट से. ऑब्वियसली भैया उसको, भैया मैं चार्ज करूंगा कि नहीं करूंगा? चार्ज करेंगे तो ये वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा. तो क्या क्या चीज है, ये एग्जांपल दिया इंसिडेंटल एक्सपेंस. दीज आर व्हाट इंसिडेंटल एक्सपेंस. क्या क्या होते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंस जरा देखना, कमीशन, पैकिंग, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस, वेटमैन चार्जेस, लोडिंग, डिजाइनिंग चार्जेस इनकर्ड बिफोर सप्लाई, ये सब होते हैं. इसके अलावा बेटा और भी बहुत रहते हैं, और भी बहुत में क्या आते हैं, धर्मादा, आपके सेल्समैन कमीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, इंश्योरेंस, एक्साइज, ये सब 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 चीजें इसके अंदर. धर्मादा क्या होता सर? आपने वो सुना होगा ना, निहार शांति आमला या बदाम, क्या अगर आप ये खरीदोगे तो 1 रुपया उसमें जाएगा बच्चों की पढ़ाई में, ऐसी ऐड आती है ना, विद्या बाला ने ऐड करती है ना, तो वो जो 1 रुपया वो धर्मादा है, चैरिटी. ठीक है ना, तो वो भी सब इंक्लूड होगा भैया, उसके उससे कोई मतलब नहीं, वो ऐड किया जाएगा. मस्ट बी एडेड टू द वैल्यू, सिंपल सी बात, इट मस्ट बी एडेड टू द वैल्यू. ये देखिए मस्ट बी एडेड टू द वैल्यू, लेकिन कौन सा? इन रिलेशन टू सप्लाई एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंस रहेंगे वो एड किया जाएगा. तो सर डिलीवरी के बाद, हाँ एक और चीज रहती है, आउटवर्ड फ्रेट ट्रांजिट इंश्योरेंस. इसका क्या? वेयर द सप्लायर एग्रीज. जरा ध्यान देना बेटा, यहां पे थोड़ा कंपोजिट मिक्स सप्लाई की बात आने वाली है. देखिए
अगर अगर सप्लायर एग्री करता है कि भैया मैं गुड्स जो है बायर्स के प्रीमाइसेस तक डिलीवर करके दूंगा और ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस मैं बेबे करूंगा और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई का पार्ट हो जाता है, तो ये हो गई कंपोजिट सप्लाई यानी नेचुरली बंडल्ड। भैया आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोगों के घर तक डिलीवरी देते हो नेचुरली बंडल्ड, तो इसके अंदर क्या होगा प्रिंसिपल सप्लाई क्या मानी जाएगी सप्लाई ऑफ गुड्स, और जो ये इंसिडेंटल चार्जेस है ट्रांसपोर्ट का इंश्योरेंस का ये भी उसी के अंदर इंक्लूड होंगे और उनके ऊपर भी वही रेट लगेगा जो गुड्स के ऊपर लगा है। भाई बात समझे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मिक्स सप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। हाउएवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई इज एक्स फैक्ट्री एंड बेसिस वेयर बायर पे इज आउटवर्ड फ्लेट इंश्योरेंस सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू। सीधी बात है, अभी एक्स फैक्ट्री डील भी है, मैं एक्स फैक्ट्री देता हूं उसके बाद बायर ले जाके कुछ भी करे, हम तो बियर ड्रीम फैक्ट्री के गेट तक डिलीवरी देंगे, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं, हम उसका कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, ऐसे केसेस के अंदर वो जो इंश्योरेंस है फ्रेट है वो बायर बेयर कर रहा है, बराबर है, बायर बेयर कर रहा है, वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और आती है, कभी कभी इंसिडेंटल एक्सपेंस एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो एक सेकेंड, इस चीज के अंदर एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इंसिडेंटल एक्सपेंस रिकवर्ड, एक्सक्यूज मी, रिकवर्ड बाय सप्लायर, रिकवर्ड बाय सप्लायर आफ्टर सप्लाई, ऐसा भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। चलिए कैसे सर, टाइमलाइन बनाएंगे। ये मान लीजिए अप्रैल मंथ, मई, जून, जुलाई। अब ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, समझ आ रही का नहीं? सप्लायर कुछ गुड्स सप्लाई करता है रिसिपिएंट को, कब करता है? अप्रैल महीने में करता है, गुड्स इनवॉइस्ड 1 लाख रुपए के अप्रैल महीने में गुड्स दिए, जीएसटी मान लीजिए 12% है, कितना होगा 12,000 कर दिए। अब जरा ध्यान से मेरी एक बात सुनना, मैं आपसे कहता हूं कि भैया मैंने गुड्स तो आपको सप्लाई कर दिए 1 लाख रुपए के, इफ यू वांट एडिशनल वारंटी, इफ यू वांट एडिशनल वारंटी फॉर दिस गुड्स, मतलब वारंटी चाहिए कि नहीं चाहिए, एडिशनली नॉर्मल वारंटी चलो, तो आपको मुझे 6 महीने के अंदर बताना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर आपको 10,000 रुपए लगेंगे, आप एडिशनल वारंटी ले सकते हो। वैल्यू के अंदर ये वारंटी वारंटी इंक्लूड होती है, दिस आर इंसिडेंटल एक्सपेंस रिलेटेड टू दैट, ओके। तो अब आप समझ लीजिए जुलाई महीने में मुझे कहते हो कि मुझे एडिशनल वारंटी चाहिए, ठीक है, और उस एडिशनल वारंटी कीमत 10,000, आपने मुझे 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, आपका टाइम ऑफ सप्लाई वाले रूल्स के हिसाब से जो टीओएस अपन ने पढ़ा उसके हिसाब से जो एडिशनल वारंटी मिली, ये जो पैसे मिले, इसका टीओएस क्या होगा? सर इसका टीओएस तो एज पर रिसिप्ट जिस दिन पैसे मिलेंगे, देख लो आप। अगर मैं बात करूं टीओएस की, अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ सप्लाई की, तो इस एडिशनल वारंटी का जो टाइम ऑफ सप्लाई है इट इज टैक्सेबल इन द मंथ इन विच डेबिट नोट इज इश्यूड। अब इसमें क्या होगा, जो सप्लायर है, अब आपने बोल दिया कि भैया हाँ मुझे वारंटी चाहिए, तो सप्लायर आपके अकाउंट से ना एक डेबिट नोट इश्यू करेगा, डेबिट नोट, सप्लायर के बुक्स में आपका अकाउंट डेबिट है, मतलब सप्लायर को आपसे पैसे लेने हैं, इनवॉइस नहीं बनेगा, इनवॉइस पहले बन चुका है, इस इनवॉइस नंबर के विथ रेफरेंस टू दिस इनवॉइस नंबर अ डेबिट नोट विल बी इश्यूड, और वो डेबिट नोट में लिखा रहेगा वारंटी चार्जेस 10,000 रुपया, उस पे जीएसटी लगेगा, यस 12% जीएसटी, इसीलिए क्योंकि ऐसे देखा जाए तो वारंटी सर्विस है, वारंटी सर्विस 18,000 18% लगना चाहिए, बट
ये जहाँ वारंटी है इट शुड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, उसी वक्त करना था, लेकिन भैया आप उसने कस्टमर ने क्लेम कर लिया, आप समझ रहे नहीं समझ रहे, तो गुड्स पे जो कंपोजिट नेचुरली बंडल्ड, तो जो गुड्स पे रेट लगेगा वही इस वारंटी पे लगना चाहिए। आई बात समझ? तो टीओएस क्या रहेगा? टैक्सेबल इन द मंथ इन विच डेबिट नोट इज इश्यूड, इट इज, ये पढ़ा हुआ है टीओएस, हमने पढ़ा है टैक्सेबल इन द मंथ इन विच डेबिट नोट, बेटा ये मैं ऐसे लिखता हूं, डेबिट नोट इज इश्यूड, इसको डे नाइट मत पकड़ लेना, लिख देता हूं जान दो, डेबिट नोट इज इश्यूड। चलिए ये बात तो ठीक है, अब मुझे बताओ क्लासिफिकेशन कायम पे करेंगे इसका, क्लासिफिकेशन ये ओरिजिनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है? हाँ बिल्कुल ओरिजिनल ट्रांजेक्शन से, तो ये ओरिजिनल ट्रांजेक्शन में ही क्लासिफाई किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो लिख लो इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल क्लासिफिकेशन, यानी इस वारंटी को गुड्स में क्लासिफाई करूंगी सर्विस में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल ट्रांजेक्शन। इफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन इज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, उसको गुड्स माना जाएगा, इवन दो वारंटी इज अ सर्विस, लिख दो वहां पे, इवन दो वारंटी इज अ सर्विस। और रेट क्या लगेगा? सर रेट भी वही 12%, एट द रेट 12%, सिंपल सी बात। आइए कहानी समझ में, यह है इंसिडेंटल एक्सपेंस रिकॉर्ड बाय सप्लायर आफ्टर सप्लाई, आफ्टर सप्लाई बाय वे ऑफ डेबिट नोट, उसके लिए ऐसी कहानी होगी। आई बात समझ में? चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी भी हो गया, इसके बाद क्या बचता है हमारा क्लॉज डी, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, ये इसका क्या होगा भैया, इंक्लूड करते क्या? विल नॉट ओनली बी ऑन ये द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल इंक्लूड नॉट ओनली द बेस प्राइस बस ऑल्टो चार्जेस फॉर डिले पेमेंट, यस। और टीओएस इसके लिए क्या था? टीओएस सेक्शन 12(6) और 13(6), 12(6) काई के लिए गुड्स के लिए, 13(6) काई के लिए सर्विसेज के लिए पढ़ा था सर, चार्जेस आर इन एडिशन टू सप्लाई रेट ऑफ टैक्स एज एप्लीकेबल ऑन मेन सप्लाई कंपोजिट है, बराबर है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? टीओएस, डेट ऑन विच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर, ठीक है। इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया है, सप्लायर ने 2,000 रुपए का सप्लाई किया और एक महीने का क्रेडिट पीरियड दिया, उसके बाद बोले 12% इंटरेस्ट लग जाएगा भैया तुझे, पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर लैप्स ऑफ 2 मंथ्स यानी फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, तो अब इसके अंदर क्या वो 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा, तो एक महीना लेट हो गया तो 20%, 20 रुपया इस अमाउंट पे इंटरेस्ट हो गया। अब ये जो इंटरेस्ट है इट इज विल बी एडेड टू द वैल्यू एंड द सप्लाई वर्क्स आउट टू बी 20-20 अज्यूमिंग द इंटरेस्ट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ये बात ध्यान रखना। मतलब इसका क्या हुआ, ये जो 2,020 रुपए है, अब ये 2,020 रुपए पे जीएसटी लगाया जाएगा। अब 2,000 रुपए तो ऑलरेडी लग चुका है, अब डेबिट नोट इश्यू होगा 20 रुपए का, और उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन वो पैसे हाथ में आते हैं वो, और वो डेबिट नोट के बेसिस के ऊपर वो जीएसटी पे होगा गवर्नमेंट को, वो इनवॉइस का रेफरेंस नंबर डालेंगे दोनों, दो डाउट इंटरेस्ट इज अ सर्विस, लेट फी इंटरेस्ट जो भी नाम से लिया जाए इट इज अ सर्विस नो डाउट, बट ओरिजिनल ट्रांजेक्शन क्या था, रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स, सीधी सीधी बात। आई बात समझ में? इसके बाद आते हैं बेटा सब्सिडीज के ऊपर, सब्सिडी इज द सम ऑफ मनी गिवन टू कीप द प्राइस, अब इसमें से बेटा लिखने के लिए नहीं आते, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सब्सिडी इज द सम ऑफ मनी गिवन टू कीप द प्राइस ऑफ सर्विस और कमोडिटी लो,
इफ सब्सिडी इज गिवन बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द लोअर प्राइस आफ्टर एडजस्टिंग द सब्सिडी इज द वैल्यू इफ द सब्सिडी इज गिवन बाय पर्सन अदर देन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. देखो बेटा सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, लोकल अथॉरिटी भी नहीं लिखा है, बात समझ लेना ये चीज. यानी सब्सिडी किसके दी होनी चाहिए, सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए. ठीक है. It does not lower the value. Subsidies to be added to the value of the supplier who receives the subsidy must be noted that only subsidy directly linked to the price of goods services are added to the value. Blanket subsidy donation received are not included price. Sir, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जरा मेरी बात पे ध्यान देना. सब्सिडी दो पार्ट में, क्या दो पार्ट सर? देखो अब इसमें दो पार्ट आते हैं. किससे मिली? कि सबसे पहले आएगा बेटा फ्रॉम, रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड या और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिली, या पर्सन अदर देन गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू. इंक्लूडेड या एडेड, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मिली तो इसको वैल्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है. मतलब 50 रुपए की चीज है और गवर्नमेंट ने 20 रुपए सब्सिडी दी और आपने सब सामने वाले को 30 रुपए में बेचा है तो जीएसटी 30 रुपए पे लगेगा, बहुत अच्छी बात है. और अगर अदर देन पर्सन, अदर देन गवर्नमेंट चाहे म्यूनसिपैलिटी क्यों ना हो, कोई भी हो, अदर देन गवर्नमेंट बेटा दो, यहां पे सेंट्रल और स्टेट, इसके अलावा कोई भी रहा तो दो चीज इसके अंदर फिर से आएंगी. इसमें दो चीज आती है, क्या दो चीज आती है देखिए मैं बताता हूं. इधर देखो इसके अंदर आएगा फिर सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस. क्या बोला मैंने? सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस. और दूसरा रहता है सब्सिडी, ब्लैंकेट सब्सिडी नॉट लिंक टू द प्राइस. ये क्या होता सर? बताता हूं. सबसे पहले सब्सिडी लिंक टू द प्राइस, सबसेटली नॉट लिंक टू द प्राइस. लिख लो यहां पे सब्सिडी लिंक्ड टू द प्राइस, सब्सिडी नॉट linked to the price, not linked to the blanket subsidy. बराबर है. तो इस केस में क्या होगा? अगर सब्सिडी लिंक्ड टू द प्राइस है, सीधी सीधी बात, तो कुछ नहीं करना है, टू बी एडेड इन वैल्यू. क्या बोला मैंने? टू बी एडेड इन वैल्यू, वैल्यू में उसको ऐड करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई. और अगर ऐसा है तो डायरेक्टली लिंक नहीं है तो नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई. आई बात समझ में? तो आप पॉज करके इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. अब मैं ये चीज वापस पढ़ा रहा हूं आपको, देखिए आपको समझ में आएगा. सब्सिडी इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई हु रिसीव्स अ सब्सिडी. इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस आर एडेड टू द वैल्यू. ब्लैंकेट सब्सिडी डोनेशन आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस. इसका बेहतरीन एक एग्जाम्पल दिया है. सेलिंग प्राइस ऑफ नोटबुक इज 50. For notebooks sold to students in government school, company uses its CSR funds to pay the seller rupees 30, so the students pay only 20 rupees per notebook. The value of notebook will be 50. किसने दिया सब्सिडी? CSR कंपनी ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया क्या? नहीं. This is a non-governmental subsidy. तो वैल्यू कितनी पकड़ी जाएंगी GST के लिए? 50, क्योंकि non-governmental subsidy. और इफ द सेम सब्सिडी इज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वैल्यू ऑफ नोटबुक विल बी
20 यानी 50 में से 30 माइनस कर देंगे और 20 पे जीएसटी लगेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आते हैं लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज पे, हुए एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट्स फ्रॉम द वैल्यू। बड़ी अच्छी चीज है। डिस्काउंट कौन कौन से रहते हैं सर? एन नंबर ऑफ डिस्काउंट रह सकते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट, अनेकों नाम से डिस्काउंट रह सकते हैं। क्यों? तो यहां पे नाम से मतलब नहीं है, डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मतलब इट शुड बी इंक्लूडेड वैल्यू? नो। सेक्शन 15(3) में हम वो चीजें देख रहे हैं जिसको वैल्यू से एक्सक्लूड करना है, ट्रांजेक्शन वैल्यू से एक्सक्लूड करना है, एडजस्ट करना है। एक्सक्लूजन फ्रॉम ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द वैल्यू। सिंस द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ट्रांजेक्शन वैल्यू, जीएसटी इज लेवेबल ऑन वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। क्योंकि जेन्युइनली बेटा डिस्काउंट दिया जाता है तो सीधी सी बात है डिस्काउंट को डिडक्ट करना है। लेकिन क्या हर डिस्काउंट को? नाई। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब एक चीज और बता दू, ये जो यानी यहां पे देख लीजिए आप, ये देखिए सब्सिडीज, ये सब, ये सारी चीजें हो चुकी बेटा हमारी कवर। हा तो आप वापस सर वो पीछे तो रह गया नहीं, कुछ नहीं रहा, इसने हेडिंग थी आगे सारा कवर कर। हाँ, काम की बात। ऑल डिस्काउंट, सारे डिस्काउंट नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट ऑल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर टू देयर कस्टमर आर अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू। ओनली सच डिस्काउंट विच सेटिस्फाई द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन आर अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू। तो ये कंडीशन क्या है भैया इस सेक्शन की? वो कंडीशन है प्राइस इज दैट द प्राइस एस्टेब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ वैल्यू। द डिस्काउंट विच डू नॉट फुलफिल द कंडीशन स्पेसिफाइड इन 15(3) आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू, दैट इज जीएसटी इन सच अ केस इज लेविड ऑन ग्रॉस वैल्यू विदाउट कंसिडरिंग द डिस्काउंट। तो सर ये कंडीशन क्या है जरा हमको बताइए। ये रहा, ये है कंडीशन। डिस्काउंट दैट आर अलाउड एज डिडक्शन आर एस फॉलोस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, मांगने मत आना। डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शोन इन इनवॉइस। क्या कंडीशन है? डिस्काउंट कब दिया? आइदर बिफोर, भैया जब भी अपनी बात हुई, जैसे मान लीजिए आप क्लास लगाने आए और अपन ने बात कर ली आपस में, आप आए, मैंने बोला ठीक है आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, ये अपन ने पहली बात कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्लास लगाने आए, ये पहली सिचुएशन हो गई, या मैंने आपको पहले ही बोल दिया जब आप क्लास लगाने आए, तब मैंने बोला चलो ठीक है आप लगा रहे क्लास 10% आपको डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट गिवन आइदर बिफोर, पहले ही बोल दिया आप आया मैं आपको डिस्काउंट दे दिया, या फिर एट द टाइम ऑफ सप्लाई जब आपको मैं क्लास मतलब पढ़ा रहा हूं तब मैंने आपको सॉरी अपने क्लास लगाया तब दे दिया, और साथ ही साथ इसको इनवॉइस में भी शो किया, एंड वर्ड लिखा है एंड शोन इन इनवॉइस, मतलब आपने डिस्काउंट या तो पहले या एट द टाइम ऑफ सप्लाई अलाउ किया, और साथ ही साथ पहले ही बता दिया मैं 10% डिस्काउंट दूंगा तेरे को वैल्यू में से, बराबर है, और साथ ही साथ मैंने इनवॉइस में भी शो किया इसको। अगर ऐसा होता है तो भैया डिडक्शन मिलेगा वो डिस्काउंट का। मतलब मान लीजिए 15,000 रुपए की मेरी क्लास है तो उसमें 10% आपको बोला तो जीएसटी 13,500 रुपए लगेगा। आई बात समझ में? इट शुड बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू। Example of such discount can be discount that allowed for making payment at the time of supply itself. Cash discount बोलते हैं ना, अब भी पैसे दे रहे क्या तो 2% discount ले लो extra, तो minus हो जाएगा। Such discount are thus recorded in invoice and thus GST charge on gross value less discount recorded in the invoice. मतलब 15,000 रुपए समझ लीजिए आपकी gross value है, इसमें से 1,500 रुपए का discount दिया तो GST कितने पे लगेगा? 13,500 रुपए पे GST लगेगा। 15,000 minus 1,500, समझे क्या? हाँ सर समझ गया। पोस्ट सप्लाई, सर अभी आपने बोला एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर एंड शोन इन इनवॉइस तो मिलेगा, तो सर सप्लाई के बाद में डिस्काउंट दिया उसकी कोई कीमत नहीं सर, उसका आप हमको रिडक्शन नहीं दोगे सर, उस पर जीएसटी देना पड़ेगा सर हमको? नहीं ऐसा नहीं है। क्या मुझे एक बात बताओ, कमर्शियली हमेशा फिजिबल रहता है डिस्काउंट टाइम उसी वक्त देना सप्लाई इनवॉइस बनाते वक्त? नहीं, हमेशा नहीं रहता। अब देखिए एग्जाम्पल देता हूं, आपने मुझे मैंने आपसे कुछ गुड्स खरीदे और आपकी एक स्कीम चल रही थी कि अगर मैं साल भर में 1,000 यूनिट से ज्यादा बेच दूंगा एक साल में तो आप मुझे स्पेशल 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे साल भर में 1,000 से ज्यादा। अब ये कब पता चलेगा कि 2% मिलेगा कि नहीं? सर तो मार्च में पता चलेगा साल भर खत्म होने के बाद।
आई बात समझ में, और वो मैंने क्वालिफाई किया एक्स्ट्रा डिस्काउंट की नहीं, ये बाद में पता चलेगा। स्टार्टिंग में तो नहीं देंगे ना, स्टार्टिंग में कैसे देंगे, स्टार्टिंग में 1 लाख के गुड्स आपने 1 लाख के मुझे दे दिए बराबर, अब वो मैंने 1000 यूनिट बेच दिए वो 1 लाख के, 1000 यूनिट वो जो भी, तो उसकी वैल्यू टोटल 1 लाख थी। अब आई एम एलिजिबल टू पे यू 98,000, लेकिन जब आपने इनवॉइस बनाया था आपने 1 लाख पे 12% जीएसटी चार्ज कर दिया था। अब आई एम एलिजिबल टू 2% डिस्काउंट, 2000 रुपए का डिस्काउंट मुझे मिलना चाहिए। तो ये 2000 रुपए का डिस्काउंट है, आप समझ रहे नहीं समझ रहे जीएसटी कितने पे लगा। चलिए कहानी बनाई देता हूं, लिख देता हूं, चीज समझ लो। इसके अंदर अपन देखेंगे। हाँ चलिए ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, ये सप्लायर है और ये 1 लाख रुपए के गुड्स जो है 12% जीएसटी लगा के सप्लाई कर देता है। किसको सप्लाई कर देता है? मिस्टर वाई को। ठीक है, और साथ में ये कहता है बेटा अगर तूने ये 1 साल के अंदर बेच दिया तो तेरे को 2% और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, या 5, 2, 2 ही पकड़ दे, चलिए 2% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब 2% कितना होता है? 2000, और मिस्टर वाई ने कंडीशंस क्वालिफाई कर दी इस डिस्काउंट के लिए, अब मिस्टर वाई को डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो इनवॉइस है, अब इनवॉइस फिर से नहीं स्टार्ट होता बेटा, इसका क्रेडिट नोट मिलता है। क्या मिलता है? मैच्योरिटी बढ़ाओ बेटा, अकाउंट्स में पढ़ा है क्रेडिट नोट, इसको डेबिट नोट नहीं बोलेंगे, क्रेडिट नोट बोलेंगे। यानी सप्लायर इज लायबल टू पे टू रिसिपिएंट, सप्लायर के बुक्स में क्रेडिट नोट बनेगा। क्रेडिट नोट इशू करेगा कितने रुपए का? 2000 रुपए का, और उस 2000 पे जीएसटी कितना है? 2000 पे जीएसटी कितना होगा? वही 12% के हिसाब से लगा लो सर, 224 ही होगा शायद, नहीं 240 होगा, 2000 × 12% 240, ये 240 जीएसटी, यानी 2240 रुपए का माइनस करना चाहिए, यानी मिस्टर एक्स अब 2240 रुपए मिस्टर वाई को वापस देगा। अब ये जीएसटी भी सर एडजस्ट होगा? यस, जीएसटी एडजस्ट होगा, क्योंकि ये जो है, अब ये जो कमर्शियल की डीलिंग है इस टाइप की, ये तो आखिरी में ही होंगी ना बेटा, तो इसको माइनस, लेकिन इसके अंदर इन्होंने कंडीशन डाल दिया, मैंने ये जो बात है, मैंने यानी सप्लायर ने ये जो बात रिसिपिएंट को कब बतानी चाहिए? गुड्स लेते वक्त। देख भैया तेरे को अभी 1 लाख में तो दे रहा हूं, लेकिन अगर तूने इतना इतना कंडीशंस क्वालिफाई कर दी तो तेरे को 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मैंने उसको तभी बता दी, कब बता दी? गुड्स लेते वक्त, तो ही ये एडजस्ट होगा। यानी अभी एडजस्टमेंट क्या हो रहा समझ लो, जो 12000 जीएसटी ऑलरेडी गवर्नमेंट को, ये अप्रैल महीना है, ये मार्च महीना है, मार्च कौन सा, ये अप्रैल 2019 है, ये मार्च 2020 है, 1 साल हो गया, कोई बात नहीं। अप्रैल महीने में गवर्नमेंट को कितना जीएसटी गया? 12000। इनपुट टैक्स कितना क्रेडिट मिला होगा मिस्टर वाई को? मिस्टर वाई को इनपुट टैक्स वही जितना उसने पे किया 12000, वो यूटिलाइज भी कर लिया होगा उसने। अब करना क्या पड़ेगा अगर ये डिस्काउंट चाहिए तो? समझ लो बात, मिस्टर एक्स जो है अगले बार इतना कम जीएसटी भरेगा जो भी उसकी नेक्स्ट लायबिलिटी रहेगी, और मिस्टर वाई को इतना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। क्रेडिट रिवर्स का मतलब क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा समझाता हूं एक नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल भाषा में, जरा ध्यान देना, एकदम गावरानी तरीके से मैं आपको समझा रहा बेटा अब। हाँ देखिए, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स 1 लाख रुपए के जो गुड्स है उस पे 12% जीएसटी लगा के मिस्टर वाई को सप्लाई कर देता है, और मिस्टर वाई उस गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करता है। मान लीजिए ये एमआरएफ कंपनी है और ये मारुति सुजुकी लिमिटेड है, इनसे टायर सप्लाई किए 1 लाख रुपए के। अब वाई ने जब ये मैन्युफैक्चरिंग किया तो टायर का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मिस्टर वाई की मंथ एंड पे जीएसटी लाइबिलिटी आ रही थी 50,000 रुपए के, उसने जितने भी कार बनाई, एक कार बना के बेची, मान लो 50,000 रुपए जीएसटी लायबिलिटी, उसमें ये इनपुट टैक्स क्रेडिट 12,000 का लेता था। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया लॉजिक। अब ये 38,000 रुपए गवर्नमेंट को पे किया इसने, अब बाद में उसको ऐसा लगता है कि भैया इसमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट कितना मिला? अब ये एक सौदा हो चुका है बेटा, 12,000 रुपए का टैक्स पेमेंट किया था एमआरएफ ने गवर्नमेंट को,
या मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को दिया और उसने पे कर दिया, ठीक है, और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज भी हो चुका है। किसने यूटिलाइज किया? मिस्टर वाई ने यूटिलाइज कर लिया। अब जरा ध्यान देना, ये एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब बाद में इसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ये पता चला है, जो 1 लाख के गुड्स है इस पे 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है या 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। अब ये मंथ क्रेडिट नोट इश्यूड होता है, क्रेडिट नोट, ये क्रेडिट नोट में 5,000 का डिस्काउंट प्लस जो जीएसटी है, भैया जीएसटी भी अभी गवर्नमेंट नहीं बोला ना, जीएसटी रिवर्स कर सकते, प्रोवाइडेड इट शुड बी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, कि मैं पूरा बढ़ाने का हूं, आप टेंशन मत लो। इस पे जीएसटी 12% के हिसाब से होता है 600 रुपया। अब ये 600 रुपए का एडजस्टमेंट कैसे होगा, जरा ये आपको बता देता हूं। ये इसका टीओएस रहेगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट नोट जब इशू हुआ, वो रहेगा टीओएस, ठीक है, मान लीजिए मार्च का महीना। अब मार्च में ये आदमी एमआरएफ 600 रुपए कम पे करेगा, 600 रुपए कम पे करेगा, प्रोवाइडेड इसने जो 12,000 का क्रेडिट लिया था, क्या इसने 12 का लेना चाहिए था कि नहीं सर? अगर ये 600 का एडजस्ट करना है तो 11,400 का ही लेना चाहिए था। इसने कम पे किया ना पहले, देखिए 11,000, एक सेकेंड, 11,400 रियल में पेमेंट होना चाहिए था एडजस्टमेंट के बाद, इसने 11,400 का क्रेडिट लेना चाहिए था, इसने 11,400 के बदले 12,000 पे कर दिया तो 600 कम पे कर दे, इसने 12,000 का क्रेडिट ले लिया जो कि 11,400 का लेना था तो 600 रुपए और भर दे। भर दे मतलब कैसे भरेगा? रिवर्सल ऑफ आईटीसी। ये जो 12,000 का क्रेडिट लिया ना तुमने, ये ज्यादा ले लिया, कितना ज्यादा? 600 ज्यादा लिया। ये कब पता चला? अब पता चल रहा है क्योंकि डिस्काउंट दे दिया। तो ये 12,000 में से तुमने जो 12,000 लिया, इसको रिवर्स करो, कितना रिवर्स करो? 600 नहीं लेना चाहिए था, 600 रिवर्स करना पड़ेगा, तो अपने आप 11,400 आ जाएगा, 600 रिवर्सल ऑफ आईटीसी। अभी के लिए प्लीज इतना समझ लो, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। समझा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं बेटा, अगले इसमें समझेगा, मैं और एक बार कोशिश करता हूं, ठीक है ना? नहीं समझा तो कोई खास बात नहीं, समझा तो बहुत अच्छी बात। देखिए बेटा, कॉमन सेंस की बात है। अब एकदम मैं सिंपल तरीके से बताता हूं आपको, एकदम सिंपल तरीके से। आपके घर में आपके कोई रिश्तेदार आए, आपके घर में कोई रिश्तेदार आए और उन्होंने 2 बॉक्स चॉकलेट के लेके आए, एक थैली में 2 बॉक्स चॉकलेट के लेके आए आपके लिए, ऐसा बोला नहीं कि आपके लिए लाए हैं, ठीक है ना? वो 2 बॉक्स चॉकलेट में 20 चॉकलेट्स, 2 बॉक्स थे चॉकलेट, 10 बॉक्स चॉकलेट्स के थे, जस्ट इमेजिन 10 अलग अलग चॉकलेट्स थे, एकदम लेमन टर्म से समझा रहा हूं, समझ जाना, ध्यान देना, 10 चॉकलेट्स थी। आप और आपके भाई, आप और आपका भाई या बहन कोई है, आप दोनों के लिए वो चॉकलेट्स लेके आए, आपको ऐसा लगा कि ये 10 चॉकलेट पूरी हमारे लिए है, तो आपने क्या किया, 5 आपके भाई को दे दी और 5 आपने रख ली, या चलो वो भी और कॉम्प्लिकेट नहीं करता, आप अकेले ही हो, आपका कोई भाई बहन नहीं है, इमेजिन करिए उसने 10 चॉकलेट आपके लिए लेके आया, मिस्टर एक्स नाम के आदमी ने। बाद में आपको पता चला मिस्टर एक्स ने तो दे दिया और वो चला गया, वो चला गया और वो चॉकलेट्स रखी है, आपने खाया नहीं, नहीं आराम से खाएंगे, ठीक है ना? बाद में अगले दिन मिस्टर एक्स आपको कहता है, अरे भैया मैंने वो आपके लिए चॉकलेट्स खाई थी, याद है आपको चॉकलेट्स दी थी? हाँ, आपकी मम्मी को बताता है वो, हाँ पड़ी है वो 10 चॉकलेट आपने, उसमें से नीचे 4 चॉकलेट जो है ना, वो पड़ोसी, आपका कोई पड़ोसी, वो भी उसका रिश्तेदार है, उसको उसके यहां भिजवानी है, उसके यहां भिजवानी है। अब इमेजिन कर लिए, कर कीजिए, आपने वो 10 के 10 चॉकलेट खा ली, उसी दिन खा के खत्म कर दी, आपने क्रेडिट ले लिया, आपने वो 10 चॉकलेट का क्रेडिट ले लिया था, खा के खत्म कर दिया। अगले दिन या 2-3 दिन बाद फोन आता है आपको, अरे नहीं नहीं वो चॉकलेट मैंने 4 चॉकलेट उसके लिए लाई थी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ऐसा बोलोगे हमने तो खा लिया, अब नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते सर रिश्तेदार को। अब आप क्या करोगे? वही चॉकलेट पेट से निकाल के देंगे क्या? नहीं सर, वैसी सेम चॉकलेट बाजार से खरीदना पड़ेगा और देना पड़ेगा, जो क्रेडिट लिया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये जो गवर्नमेंट को आपको मिस्टर वाई के केस में देख लो, 50,000 रुपए लायबिलिटी आपको दिख रही है, ध्यान देना, समझे तो दाद देना, 50,000 लायबिलिटी, वाई ने 50,000 पेमेंट किए कि नहीं, 12,000 कम करके ये जो 12,000 का क्रेडिट लिया, 38,000 रुपए पे किया गवर्नमेंट को, 38,000 पे किए। अब तुम गवर्नमेंट से वापस मांगने आ रहे क्या? अरे वो डिस्काउंट एडजस्ट हुआ, मिस्टर एक्स जाता है गवर्नमेंट के पास, वो डिस्काउंट एडजस्ट हुआ,
तो वो जो 12,000 हमने आपको जीएसटी दिया था ना, वो 11,400 ही है, ऐसा मिस्टर एक्स एकदम लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ, समझ लेना। गवर्नमेंट आपसे बात कर रही है मेरे थ्रू, ठीक है। वो आप आए मेरे पास, वो भैया वो हमने वो अप्रैल महीने में 12,000 का जीएसटी भरा था ना, 1 लाख के ये इनवॉइस के अगेंस्ट में, वो असल में अब हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, उसने कंडीशन क्वालिफाई कर ली डिस्काउंट के लिए, तो डिस्काउंट दिया ना भैया, तो अब क्या होता है, 2-5 हजार का डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट आप ही ने बोला आपके रूल के हिसाब से, सेक्शन 53 के हिसाब से आपने बोली ये डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं आप, इट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू, तो हम वही काम कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे वैल्यू से। कितना भैया? 5,000। 5,000 का 12% कितना? 600 रुपया। तो ये जो 600 रुपया जीएसटी है ना, ये हमने आपको ज्यादा भरा गवर्नमेंट को अप्रैल महीने में, ऐसा आप आके मुझे बोलते हो। मैं बताता हूँ भैया गवर्नमेंट देखो ऐसा ऐसा है, तो ज्यादा भरा तो गवर्नमेंट बोलेगी अरे वो हमको नहीं पता, वो ज्यादा भरा ना तो उसका उसने मिस्टर वाई ने क्रेडिट भी तो ले लिया, देख लो ना 12,000 का क्रेडिट लिया। तो आप बोलते हो नहीं नहीं सर वो रिवर्स कर देगा, ये हम गारंटी देते हैं आप हमको, अभी हम इतना कम भरेंगे आपको, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ का जो जीएसटी आएगा उसमें हम 600 रुपये कम भरेंगे। आप गवर्नमेंट बोलेंगे प्रोवाइडेड दैट हम एक्सेप्ट कर लेंगे 600 कम, लेकिन उस आदमी ने जो 600 का जीएसटी क्रेडिट उस समय ले चुका था, 12,000 में 600 भी इंक्लूड है, 600 क्रेडिट ले चुका था, उस क्रेडिट को रिवर्स कर यानी हमको 600 ज्यादा भर के दे, चॉकलेट खाई उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये जो क्रेडिट खाया है इसको रिवर्स करना पड़ेगा, कितने से? 600 से। आई होप क्लियर है, नहीं तो एक एग्जाम्पल बुक में और दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। चलिए तो ये पोस्ट सप्लाई मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया बेटा, अब इसके अंदर हम डिटेल में और पढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। इट इज नॉट ऑलवेज कमर्शियली फिजिबल टू डिटरमाइन ऑल डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और रिकॉर्ड देम इन इनवॉइस, हमेशा ये पॉसिबल नहीं रहता। फॉर इंस्टेंस कैश डिस्काउंट देते हैं आप फॉर मेकिंग पेमेंट विद इन अ स्टेबुलेटेड टाइम, इवन दो डिस्काउंट इज स्टेब्लिश बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, आपने बता दिया कि यदि तूने कैश में पेमेंट किया या यदि तूने ये 1 महीने में 2 महीने में पेमेंट किया तो तुझे डिस्काउंट मिलेगा, ये आपने बता तो दिया, इट इज स्टेब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर और एट द टाइम। लेकिन सप्लायर आज के आज रिकॉर्ड कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसको थोड़ी पता है बायर 1 महीने में पेमेंट देगा कि नहीं देगा। लाइकवाइज सॉरी, इसी तरह के बेटे डिस्काउंट रहते, क्वांटिटी डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, परफॉर्मेंस डिस्काउंट ऑल्सो, सप्लायर इज नॉट अवेयर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, हमको क्या पता हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इन इस केसेस के अंदर भी डिस्काउंट कैन नॉट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, तो इन सच केसेस इनिशियली तो जीएसटी लग जाएगा और बाद में अगर ऐसा कुछ हुआ ऐसा, और इनवॉइस पे लेकिन विदाउट डिस्काउंट रहेगा, सप्लायर हाउएवर पासेस द डिस्काउंट टू द बायर सब्सिक्वेंटली बाय इशूइंग द क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट देता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। डिस्काउंट डेट आर अलाउड आफ्टर सप्लाई इज मेड आर अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन इज सेटिस्फाइड। डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई कैन बी वर्कड आउट इन वॉइस वाइज, यानी एक चीज समझ लेना, आप अगर ये डिस्काउंट दे रहे हो तो ये एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जब मैं आपसे गुड्स खरीद के आ रहा हूँ, खरीदने आ रहा हूँ, तो एज अ सप्लायर आपने मुझे बता देना चाहिए कि सर अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, ये आपने एट द टाइम और बिफोर सप्लाई बता देना चाहिए और ये वर्किंग इनवॉइस वाइज हो जानी चाहिए। एंड प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो उस रिसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा, ये अभी आपको समझा, चॉकलेट खाली तो वापस खरीद के देनी पड़ेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, आपने जो यूज कर लिया वो रिवर्स करना पड़ेगा। दस व्हेन क्रेडिट नोट, ये टू फालतू आ गया, क्रेडिट नोट इज इश्यूड टू हिम बाय द सप्लायर, बायर विल रिवर्स द प्रोपोर्शनेट क्रेडिट, जैसे 600 रुपए उस केस में, कॉन्सिक्वेंट टू विच सप्लायर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, सप्लायर इस बार 600 कम भरेगा, बायर रिवर्स करेगा उतना क्रेडिट। देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं तो उतना क्रेडिट उसको कम करना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट चीज समझ लेना, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है बेटा, देखो ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, ये सप्लायर से माल खरीदते रहता है, खरीदते रहता है, खरीदते रहता है, इसको पेमेंट करते रहता करते रहता करते रहता, जो पेमेंट करता है वो जीएसटी इंक्लूड रहता है और वो जो उस पर जीएसटी रहता है उसका ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है, एक आईटीसी नाम का अकाउंट रहता है उसमें क्रेडिट लेते रहता है। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये इस रेसिपिएंट का बेटा असेट है, इसको वो यूज कर सकता है पेमेंट करने के लिए, समझ में आ रहा है क्या? जैसे कभी आपको वाउचर मिलते हैं
भाई 200 रुपए का वाउचर है, कोई भी पेमेंट करूंगा तो 200 रुपए यूज कर सकते, तो वो आपका एसेट हुआ, एसेट। अब इसको मैं बोलूं रिवर्स करने का, तो एसेट रिवर्स करना मतलब लाइबिलिटी, यानी मान लीजिए 8,000 का क्रेडिट पड़ा है, 2,000 में कम करने का बोलता हूं, तो अब क्रेडिट कितना बच गया, 6,000, यानी एसेट कम हो गए, इसके एसेट कम हो गए, यानी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो गई, गवर्नमेंट का फायदा हो गया। समझा तो ठीक, नहीं तो जाने देना, इतना ज्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं बताना चाहता। हाँ, ये मजा कब आएगा, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर में बेटा, पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। जितने भी मन में सवाल होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, जो भी आज आपने सोचे होंगे या कभी भी, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर ही बड़ा है हमारा, जिसको करीब करीब 4 से 5 लेक्चर लग सकते हैं, 4 ही लगेंगे मेरे ख्याल से, 5 नहीं लगते, 4 लेक्चर में वो हो जाएगा, और उसके बाद सब छोटे छोटे एक एक दो दो एक एक दो दो लेक्चर के हैं, तो जीएसटी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगले महीने की 10 तारीख तक अपना कंप्लीट हो जाएगा जीएसटी, मैं खुद आराम से चल रहा हूं, क्योंकि आपने जैसा बोला था, आप लोगों ने सब हमारी एक मीटिंग में एग्री किया था कि सर आप आराम से दीजिए 2 लेक्चर पे 3 दिन, तो जनरली हम वैसे ही चल रहे, 2 लेक्चर पे 3 दिन या कभी कभी 4 दिन भी दिए, तो आपके हिसाब से, ठीक है। इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, तो जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, यानी मान लीजिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बताया डिस्काउंट के बारे में, हो गया फिर। द सप्लायर हावर कैन इशू कमर्शियल क्रेडिट नोट फॉर वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, इन सच सिनेरियो बायर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसके बारे में, कमर्शियल क्रेडिट नोट के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अभी बात करते हैं, ये जो अपन ने पढ़ा डिस्काउंट वगैरह के बारे में, इसका एक डायग्राम दिया है नेक्स्ट पेज पे, जरा इस डायग्राम की तरफ देखिए बेटा, बहुत ही प्यारा डायग्राम यहाँ पे बनाया है, इससे आपको सब चीज समझ में आएंगी, ठीक है। और इसके बाद इस सब चीजों का एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, वो एग्जाम्पल्स मैंने जो पढ़ाया वही है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं इलुस्ट्रेशंस कराऊंगा इसके बाद, पहले ये जरा ध्यान दीजिए, डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, नंबर वन देखिए, ध्यान देना बेटा, पहली चीज यहां 3 चीजें आती है, ये एक सिचुएशन है, ये दूसरी सिचुएशन है, ये तीसरी सिचुएशन है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं पहली सिचुएशन की, पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है, कहानी यहां से शुरू होती है, आपने डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया, हाँ, इनवॉइस में भी शो किया, हाँ, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया प्लस इनवॉइस में भी शो किया, अगर ऐसा है, यस है, तो डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब डिस्काउंट जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, मतलब वो डिस्काउंट वैल्यू से माइनस कर देना, सीधी सीधी बात ये है, यानी वैल्यू में नहीं जोड़ना मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वैल्यू में नहीं जोड़ना मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, समझ आया क्या बेटा ये पूरा, हाँ सर। दूसरा, डिस्काउंट गिवन बिफोर सप्लाई, ठीक है, साथ में इनवॉइस में भी शो किया, अगर ऐसा है तो डिस्काउंट नॉट टू बी इंक्लूडेड सप्लाई, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट बिफोर सप्लाई दिया, इनवॉइस में शो नहीं किया, पहले दे रहे और इनवॉइस में भी शो नहीं कर रहे, तो डिस्काउंट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सप्लाई में इंक्लूड करना पड़ेगा, वैल्यू में मतलब जीएसटी देना पड़ेगा, बेवकूफ उसके ऊपर तुम्हारे को, आपको बेवकूफ नहीं बोल रहा, मतलब बेवकूफ बन गया बेचारा वो आदमी, क्योंकि बिफोर सप्लाई बताया तो इनवॉइस में तो शो कर देना चाहिए था ना, अरे सही है कि नहीं, बिफोर सप्लाई, सप्लाई के पहले ही बता रहा कि डिस्काउंट देऊंगा तेरे को, और इनवॉइस में भी शो नहीं किया, तो बेवकूफ ही हुआ फिर वो। चलिए, ये हो गया एट द टाइम बिफोर, अब आफ्टर सप्लाई का क्या होगा, जरा ध्यान देना, डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, एक महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, लेकिन साथ में प्लस इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये भैया पहले ही बता दिया था कि डिस्काउंट देंगे आफ्टर सप्लाई, एग्रीमेंट पहले ही हो गई थी दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इट कैन बी लिंक्ड विद इनवॉइस, यस इट कैन बी लिंक्ड विद इनवॉइस, साथ में प्रोपोर्शनेट क्रेडिट भी रिवर्स किया उसने, यस अगर सब चीजें यस है तो डिडक्शन मिलेगा इस डिस्काउंट का, और अगर चलिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई था, कैन बी लिंक, लेकिन प्रोपोर्शनेट क्रेडिट उसने रिवर्स नहीं किया, डिस्काउंट विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू, मतलब उस डिस्काउंट को डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब जीएसटी देना पड़ेगा। आई होप समझ में आया ये चार्ट से, चलिए अच्छी बात है। अब इसके बारे में कुछ लिखा है बेटा, इसका नोटिफिकेशन आया था, अलाउबिलिटी, ये एबिलिटी बीच में आ गई, ये दोनों एक ही वर्ड है, हाँ ध्यान रखना, अलाउबिलिटी ऑफ सर्टन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर्स इज क्लेरिफाइड बाय सर्कुलर नंबर सो एंड सो 7-3-2-1, जैसे स्टेगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर,
ये डिस्काउंट अलाउड रहेगा। अब इसमें क्या होता है, रेट ऑफ डिस्काउंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन परचेज। ऐसा आपने देखा होगा 10% मिलेगा 5,000 तक, 20% मिलेगा 10,000 के ऊपर आप खरीदोगे तो, 30% मिलेगा 20 के ऊपर खरीदोगे तो ये इनवॉइस में दिखाए जाते हैं। सच डिस्काउंट आर एक्सक्लूडेड बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब वैल्यू के अंदर ये डिस्काउंट माइनस किए जाएंगे तो वैल्यू कम होंगी और जीएसटी कम लगेगा। सिंपल सी बात है, फायदे वाली बात है। पीरियोडिक ईयर एंडेड डिस्काउंट रहते हैं, एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1% इफ यू परचेज 1000 पीसेस इन अ ईयर। ये रुपीस छप गया बेटा, रुपीस काट दीजिए यहां पे, ये सब। तो ये डिस्काउंट जो है ये कब बताए थे आपने, एस्टेब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, दो नॉट शोन इन इनवॉइस, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इनवॉइस में शो नहीं किया लेकिन एट द टाइम आपने एग्री कर लिया। ये देखिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये आपने एग्री कर लिया, डिस्काउंट बाद में दिया लेकिन आपने एग्री कर लिया, और इसको इनवॉइस से लिंक और रिवर्स करेंगे तो आपको डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई चलेगा एट द ईयर एंड, ठीक है। इन डिस्काउंट को वॉल्यूम डिस्काउंट कहा जाता है और ये सप्लायर को पास किए जाते हैं, और ये पैरामीटर जो आपने लीड डाउन किए वो रिवर्सल वगैरह, ये पैरामीटर ये देखिए रिवर्सल ऑफ आईडी, ये सब फुलफिल करने पड़ेंगे। एक होता है बेटा सेकेंडरी डिस्काउंट, ये जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसके ऊपर, जरा ढंग से पढ़ना। दीज आर डिस्काउंट विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आर ऑफर्ड आफ्टर सप्लाई इज ओवर। बेटा बेटा जरा ध्यान दो, नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर कोई डिस्काउंट ऐसा है जो सप्लाई के टाइम बताया ही नहीं या कंडीशन स्टेब्लिश ही नहीं हुई कि ऐसा ऐसा ऑफर भी है, कभी नहीं, माइनस नहीं होगा, इट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द, इट विल बी इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन वैल्यू, इंक्लूड करने का उसको, ठीक है। एग्जाम्पल, ए सप्लाई करता है 10,000 पैकेट बिस्किट टू मिस्टर बी एट 10 रुपया, आफ्टर बाद में ए रीवैल्यू करता है 9 रुपए, दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुआ, सब्सिक्वेंटली मैसर से इश्यूज क्रेडिट नोट टू बी फॉर 1 रुपए पर पैकेट, इसके अंदर ये जो डिस्काउंट है इस पे जीएसटी का रिवर्सल नहीं होगा। सच सेकेंडरी डिस्काउंट शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड while determining the value of supply, as such discount क्यों नहीं होगा, it is not known at the time of supply or condition laid in clause B of section 3 of 15 are not satisfied। भैया दो condition है, सीधी सीधी बात है, आपको उस discount के बारे, भले ही बाद में दो discount, 4 महीने बाद दो, लेकिन क्या scheme है उसके बारे में at the time of or before supply पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है, ये बाद में स्कीम लाई सप्लाई करने के, तो सॉरी डिस्काउंट नहीं, सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट दिया जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट डिस्काउंट इज नोन, दैट कंडीशन इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई कंडीशन पता नहीं है, अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई इट इज नॉट नोन दैट डिस्काउंट मिलेगा क्या, नॉट मतलब कितना डिस्काउंट मिलेगा ये तो नहीं पता रहता, मैं इसके लिए बोल रहा, लेकिन आपने स्कीम ही नहीं बताई, जैसे 15,000 पीस बेचे तो 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपने नहीं बताया, इनवॉइस बनते टाइम आपने नहीं बताया बेटा, तो एक चीज ध्यान रखना, फिर वो नहीं मिलेगा उस डिस्काउंट, वो वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं, नो डाउट क्रेडिट मिल जाएगा सामने वाले को, रिवर्सल वगैरह की बातें नहीं आएंगी, ठीक है। इसके बारे में एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स पे, और जो नॉन डिडक्टेबल जो मैं आपको बता रहा था ना अभी, वो रिवर्सल ऑफ क्रेडिट वगैरह, इसके एग्जांपल ये है नॉन डिडक्टेबल, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, दोनों एग्जांपल्स को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, टर्नओवर डिस्काउंट वगैरह के बारे में, और हाँ ये भी, ये सब एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स आपके लिए है, ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते, ये एग्जाम्पल्स आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स यहाँ पढ़ाने की मेरे हिसाब से मुझे जरूरत नहीं है, ये आपको समझा चुका हूं मैं। अब मैं आता हूं एक और चीज के ऊपर, 15(1) के हिसाब से नहीं हो तो मैंने बताया था रूल्स के हिसाब से 15(4), 15(5) के हिसाब से 15(1) क्या था, ट्रांजेक्शन वैल्यू, यानी अगर रिलेटेड नहीं है और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सेल तो 15(1) में काम हो जाता है, और वैल्यू जो ट्रांजेक्शन वैल्यू आती है उसमें क्या इंक्लूड करना क्या एक्सक्लूड करना है 15(2) और 15(3) में दिया हुआ है। बट अगर 15(1) एप्लीकेबल नहीं होता है तो यानी या तो परसेंट रिलेटेड निकल जाता है या प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन फॉर सेल, दो में से एक कंडीशन वायलेट हो जाती है, तो क्या होगा, तो भैया आपको वैल्यूएशन रूल्स देखने पड़ेंगे, सीजीएसटी वैल्यूएशन रूल्स, ये कहां लिखा है, सेक्शन 15(4) में लिखा है कि आपको वैल्यूएशन रूल्स पे जाना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे चले, 15(5) में कुछ ऐसी नोटिफाइड सप्लाईज है
जिसकी वैल्यू वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से ही निकालना है, भले ही क्यों ना 15-1 में ट्रांजेक्शन वैल्यू फुलफिल हो रही हो। ऐसा भी हो सकता है 15-1 एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सेल एंड इवन दो बोथ पार्टीज आर नॉट रिलेटेड, 15-1 आ रहा है ट्रांजेक्शन वैल्यू मान, लेकिन नहीं वैल्यूएशन रूल के हिसाब से निकालेंगे कुछ ऐसी सप्लाईज का स्पेसिफिकली अगर 15-5 में लिखा हुआ है तो। नोटिफाइड सप्लाईज है बेटा, स्पेसिफिक ऑलवेज प्रीवेल्स ओवर जनरल, जनरल है लेकिन स्पेसिफिक अगर बोल दिया नहीं वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से ही निकालना है इस चीज का, तो वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? आई होप ये चैप्टर क्लियर है। अब बेटा दो इलुस्ट्रेशन है सॉल्व, ये दोनों इलुस्ट्रेशन मैं आप लोगों को कराऊंगा। उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं जरा सा, ये स्कीम दी है एज पर यही जो 15 बताया, वेर द प्राइस इज सोल कंसीडरेशन फॉर सेल, यस। सप्लाई सप्लायर एंड पार्टी से आर रिलेटेड, नो। वेर सप्लाई इज नोटिफाइड अंडर 15, नो। तो 15-1 का ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर इनमें से, जैसे सोल प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन फॉर सेल, तो रूल वैल्यूएशन रूल्स पे जाना पड़ेगा। रिलेटेड है yes, तो वैल्यूएशन रूल्स पे जाना पड़ेगा, और नोटिफाइड सप्लाई है तो भी वैल्यूएशन रूल्स पे जाना पड़ेगा। बस ये आपको स्कीम दिखाई वैल्यूएशन की, और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक चार्ट है बेटा, ये पूरे इसका समरी है, पूरे चैप्टर की समरी। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, सॉल्व क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। दो इलुस्ट्रेशन है ये, मैं अभी आप लोगों को कराई देता हूं, ठीक है। उसके बाद अनसॉल्व भी मैं कराऊंगा, और एक चीज जो हमारी फोर्थ चैप्टर में छूटी थी आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला वो बताऊंगा, ठीक है। मैंने बोला था वैल्यूएशन की राह देखनी पड़ेगी उसके लिए। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू कलरफुल लिमिटेड, ठीक है। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड डिस्काउंट 50,000, टैक्स लिमिट बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी एड करना पड़ता है, हाँ। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस अबव 1,000। ब्लैक एंड व्हाइट रिसीव 2,000 एज सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ऑन सेल ऑफ गुड्स, एनजीओ गवर्नमेंट से नहीं मिली, ठीक है। विच एंड ऑफर्स, ब्लैक एंड व्हाइट ऑफर्स 2% डिस्काउंट लिस्ट प्राइस विच आर रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू कैसे देखिए, 50,000 जोड़ना पड़ेगा, हाँ। 5,000 भी जोड़ना पड़ेगा, हाँ। 1,000 पैकिंग चार्जेस जोड़ना पड़ता है, पैकिंग डायरेक्ट नॉन गवर्नमेंटल से सब्सिडी मिली उससे हमको क्या करना है, गवर्नमेंट से मिली तो माइनस कर, तो नहीं जोड़ना, ये भी जोड़ना पड़ेगा। 50 + 5 + 1 58,000 हो गया, डिस्काउंट 2% दिया, इनवॉइस में भी लिखा है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई बता रहे, हाँ, माइनस कर दो, आया आंसर 57,000 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। आसान है, इतने आसान एग्जाम में नहीं आएंगे, ये भी बता देता हूँ, नहीं तो बहुत खुश नहीं होना, एग्जाम के क्वेश्चन अभी कराता हूँ, ठीक है। इलुस्ट्रेशन टू, समृद्धि एडवर्टाइजर्स कंसेप्चुअलाइज एंड डिजाइन द एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर प्रोडक्ट लॉन्च बाय न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ 5,00,000। समृद्धि एडवर्टाइजर ओर 20,000 टू वन ऑफ इट्स वेंडर इन रिलेशन टू एडवर्टाइजिंग सर्विस डिस्चार्ज बाय एडवाइजरी प्रोवाइडेड बाई टू न्यू मून लिमिटेड, सच लाइबिलिटी ऑफ समृद्धि वॉज डिस्चार्ज बाई न्यू मून लिमिटेड, न्यू मून लिमिटेड डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एज दस पेड 15,000 एज इंटरेस्ट, अज्यूम द रेट ऑफ GST टू बी 18%, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बाय समृद्धि लिमिटेड। अब ध्यान देना, 20,000 रुपए जो है वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, और इस केस के अंदर समृद्धि लिमिटेड के न्यू समृद्धि लिमिटेड के बिहाफ में जो कि सप्लायर है, न्यू मून ने किसी को तो भी पेमेंट किया है 20,000 रुपए का। आई बात समझ में, 20,000 रुपए का पेमेंट किया है तो बेटा वो ऐड होता है कि नहीं होता, हाँ, इट इज टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू। सर्विस चार्जेस 5,00,000 और पेमेंट जो किया है वो आपका 20,000 रुपए का, तो वो इंक्लूड किया जाएगा, यानी पेमेंट मेड बाय न्यू मून लिमिटेड टू वेंडर ऑफ समृद्धि, इसको ऐड किया जाएगा, ये 20,000 रुपए ऐड हो गया। अब 5,00,000 और ये 20,000, इसके बाद आता है इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये भी इंक्लूड करना चाहिए था वैल्यू में। अब देखिए बेटा, इसके अंदर डिले पेमेंट कितना हुआ, 15,000 रुपए का, तो ये वैल्यू में इंक्लूड होना चाहिए। अब ये 15,000 जो है ये जीएसटी इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि देखिए ये नॉन जीएसटी अमाउंट है, ये नॉन जीएसटी अमाउंट है, तो ऐसा माना जाएगा ये जो 15,000 है इसमें 18% जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड, यानी ये 118 है। तो इसको अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो ये चीज आपको मालूम है, 15,000 डिवाइड बाय 118
इंटू 100, तो ये आ गया इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट, इसको इंक्लूड किया जाएगा 15(2)(d) के हिसाब से, और उसके बाद ये आ गई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, और इस पे पूरा 18% जीएसटी, 18 या 12 या 15 जो भी कितना 18 रेट दिया है, इस पे 18% रेट आएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो वैल्यू है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, 20,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और ये इंटरेस्ट, ये फुल एंड फाइनल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी, ऐसे इंटरेस्ट पे जीएसटी रहता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो ये इंक्लूसिव 15,000 इंक्लूसिव जीएसटी। कई बार आपको कॉस्टिंग में मिटकरी सर ने बताया होगा, जबकि लगाना इसमें ये इंक्लूड है, तो अपन उसको रिवर्स कैसे करना, वही चीज है ये। यानी ये जो 15,000 है बेटा, ये 118 है, तो 100 कितना, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, जबकि लगाओ, आई बात समझ में? तो ये इससे आंसर आपका 530। अब इस पे आप पूरा 18% जीएसटी लगा सकते हैं, या आप एक और देखो, 12,712 पे 18% जोड़ लो, 15,000 आपका आंसर आएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज का ध्यान रखना। अब हम आते हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस पे, ठीक है? तो बेटा जो इसमें सॉल्व क्वेश्चन है ये तो आप लोगों के लिए है, और जो अनसॉल्व है ये मैं कराता हूं आपको। अनसॉल्व क्वेश्चंस टोटल 5 है एग्जाम रिलेटेड, एंड उसके पहले एक चीज अपन ने छोड़ी थी, अगर आपको याद है, चौथे चैप्टर के अंदर मैं आपको पहले वो पढ़ा देता हूं, दैट विल बी मच बेटर। आपको याद होगा इस चैप्टर में हमने वो चीज छोड़ दी थी, 140 पेज नंबर, एक सेकेंड मैं बताता हूं, ये रहा था, ये देखिए यहां लिखा हुआ है पेंडिंग, लेक्चर 13 या 14 में आएगा मैंने बोला था, अब अपन आ गए लेक्चर 15 में, बराबर है? लेक्चर 15 में ये चीज आ रही है, ये क्या है? क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन डिलेड पेमेंट चार्जेस इन केस ऑफ लेट फी और इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है? लेकिन ये पढ़ने के पहले चलिए कुछ डिस्कशन करते बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेरिफिकेशन, इस पे मैं क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसेंट क्लेरिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बेटा है छोटा सा, लेकिन कंसेप्चुअली समझाऊंगा आपको क्लेरिफिकेशन क्या आया है और क्या था क्या नहीं, ये सब चीजें आपको मैं बताता हूं। इसके लिए मैं पहले ड्रॉ करूंगा कुछ चीजें, पहले आप समझिए जो मैं बनाता हूं, टोटल 3 पेजेस मुझे इसको लगेंगे समझाने के लिए, उसके बाद उसको हम पढ़ भी लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो चलिए पहले आपसे कुछ बात करेंगे, क्या बात करेंगे सर आप, चलिए देखते हैं। ध्यान देना, मैं कुछ ड्रॉ करना चाहूंगा, सबसे पहले ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के बाद सेकेंड कॉलम में इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी, इसके बाद इसका वैल्यूएशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसके बाद एडिशनल इंटरेस्ट या लेट फी या पेनल्टी, उसका वैल्यूएशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहला पहला सिंपल ट्रांजेक्शन, कौन सा ट्रांजेक्शन? लोन्स एडवांसेस वाला ट्रांजेक्शन, ओरिजिनल लोन्स एडवांसेस या डिपॉजिट्स जो बैंक देती है, इसके ऊपर क्या देता है बेटा, क्या लगता है, मतलब क्या मिलता है या क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है सर, नॉर्मल इंटरेस्ट। इसका वैल्यूएशन क्या ये एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है? सर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस डिपॉजिट इज एग्जेम्प्ट, हमने पढ़ा है एग्जेम्पशन चैप्टर में, इट इज एग्जेम्प्ट। वैसे ये फोर्थ चैप्टर का ही है ये क्लैरिफिकेशन, ये फोर्थ चैप्टर का बेटा, देख लो चौथा चैप्टर है ये, ठीक है? पेज नंबर नोट्स में 118 पे है, ठीक है? इट इज एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट
एंड ऑब्वियसली अगर एग्जेम्प्ट है तो इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू. सीधी बात है, कोई चीज एग्जेम्प्ट है तो उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों करेंगे. एंड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यूएशन. वैल्यू लिख देता हूं सिर्फ. इंटरेस्ट के ऊपर अगर और इंटरेस्ट लगता है लेट फी या पेमेंट, कई बार इंटरेस्ट हम लेट पे कर देते हैं, इंटरेस्ट लेट पेमेंट होते. देखिए प्रिंसिपल अमाउंट, ईएमआई इज व्हाट, इट इज द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी रहता है बेटा, इंटरेस्ट अमाउंट भी रहता है. तो कई बार अगर इंस्टॉलमेंट हम नहीं पे करते हैं तो इंटरेस्ट पे बैंक इंटरेस्ट लगाती है. आई बात समझ में. या हमने कोई डिपॉजिट किया बैंक में और बैंक उस पर अपने को इंटरेस्ट दे रही है, तो इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग होती है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, जिसको हम एडिशनल इंटरेस्ट बोलो या लेट फी बोलो या पेनल्टी बोलो. तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, आपने मंथली इंस्टॉलमेंट लेट पे की तो उसके लिए आपको लेट फी लग सकती है, उसके लिए आपको पेनल्टी भी लग सकती है. बराबर है. तो क्या ये वैल्यूएशन में आएंगी क्या? ना, बिल्कुल नहीं आएंगी. इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट. रीजन पूरे बताऊंगा, जरा दो मिनट मेरी बात सुनते रहिए. इट इज एग्जेम्प्ट एंड इज नॉट नॉट टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू. आई बात समझ में. ये थी पहली कहानी. अब जरा दूसरी चीज ध्यान देना. इसके बाद है लोन्स, एडवांस डिपॉजिट तो हो गया. दूसरी चीज अब एक होता है डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. क्या होता है? डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. ये क्या होता है सर? आपको एक महीने में पैसे देने थे, आपने वो महीने में पैसे नहीं दिए, आपने दो महीने में पैसे दिए, तो उस पर इंटरेस्ट लगता है या लेट फी लगती है या पेनल्टी लगती है, कुछ भी लग सकता है ना. इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी, कुछ भी लग सकता है. तो सेक्शन 15(2)(d) के हिसाब से बेटा इट इज टू बी एडेड इन वैल्यू. 15(2)(d) आपको याद है कि नहीं? नहीं तो मैं बता देता हूं पेज नंबर. एक सेकेंड. सेक्शन 15(2) के अंदर अगर आप देखें तो हमने सारे कॉलम पढ़े थे, उसमें आप डी देखिए, इंटरेस्ट, पेज नंबर 173 पे, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट. ठीक है. टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? जिस दिन रिसीव हुआ, 12(6) के हिसाब से या 13(6) के हिसाब से. ठीक है. अब इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी. ठीक है. अब इसके अंदर जरा ध्यान देना, इसके अंदर अगर इस इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी पे और एडिशनल इंटरेस्ट अगर लगा, एडिशनल इंटरेस्ट या लेट फी, लेट फी तो लग नहीं सकती, एडिशनल इंटरेस्ट लग सकता है सिर्फ, लेट फी पे लेट फी नहीं लग सकती. एडिशनल इंटरेस्ट अगर लगा तो उसका क्या, वो इंक्लूड होगा क्या? यस, टू बी एडेड इन वैल्यू. तो कहानी कुछ यूं बनती है कि अगर ओरिजिनल इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है तो उस पे लगा हुआ एडिशनल इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी भी एग्जेम्प्ट रहेंगी, वैल्यू में ऐड नहीं होंगी. अगर ओरिजिनल इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी वैल्यू में ऐड हो रही है तो उस पे लगा हुआ एडिशनल इंटरेस्ट भी वैल्यू में ऐड होगा. बाप चोर है तो बेटा भी चोर रहेगा, बाप साहूकार है तो बेटा भी साहूकार रहेगा. सिंपल, सीधी सी बात, एग्जांपल है ये. ठीक है, समझ आई बात? सर ये तो समझ आ गया. तो चलिए मैं आपको दो केसेस बताता हूं, जरा मेरी बात पे गौर करना. ठीक है, समझना ही चाहिए, समझना ही चाहिए. केस वन, मोबाइल शॉप है, एक मोबाइल शॉप का एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं बेटा. ये समझ लीजिए मोबाइल की दुकान है, मोबाइल शॉप. ठीक है, और ये आप हो. ठीक है, अब आप मोबाइल शॉप से एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो. क्या कर रहे हो? ट्रांजेक्शन कर रहे हो. कौन सा ट्रांजेक्शन? मोबाइल खरीद रहे बेटा, सीधी बात है. जो आपने मोबाइल खरीदा ना बेटा, उसका प्राइस है 40,000 रुपए. अब मैं वो ही फिगर्स यहां यूज कर रहा हूं जो आपके क्लेरिफिकेशन के अंदर है.
आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा? ये क्लैरिफिकेशन के अंदर जो एग्जांपल लिया, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर सीधा सीधा लिख दिया, मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, पूरा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। दोनों केसेस लूंगा और दोनों केसेस में फिगर्स फैक्ट्स ऑफ द केस सेम ले रहा हूँ जो क्लैरिफिकेशन में लिया था, क्योंकि क्वेश्चन सेम आने के बहुत 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 चांसेस है, ठीक है ना। तो चलिए, अब ये आप आए मेरे पास मोबाइल शॉप, भैया ये 40,000 का मोबाइल है, इसका प्राइस है। आप आए, मैं मोबाइल शॉप वाला हूँ, आप आए, कस्टमर आए, आप आए और 40,000 का मोबाइल है। मैंने बोला आपने कहा भैया इतना देने के लिए नहीं, मुझे कुछ इंस्टॉलमेंट दीजिए, तो मतलब ठीक है ना मोबाइल, अगर आप इंस्टॉलमेंट में लोगे, अगर आप इंस्टॉलमेंट में लोगे तो फिर ये प्राइस नहीं लगेगा, इंस्टॉलमेंट में लोगे तो जो मोबाइल प्राइस है वो 44,000 का लगेगा, ऐसा मैं आपको कहता हूं, और आपको चार इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। आपको मैं इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे रहा हूं, आपको इसके लिए फोर इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी लिख सकते हैं यहां पे, फैसिलिटी आपको चाहिए तो ऐसा होगा, मोबाइल प्राइस 44,000, फोर इंस्टॉलमेंट ऑफ 11,000 ईच। समझ आया? ये समझ गया। मान लीजिए अब कहानी कुछ यू सी, अब इसके अंदर भी 44,000 में है क्या क्या बेटा? अगर मैं इस बात करूं तो ये 44,000 में दो फिगर इंक्लूडेड है। कौन से फिगर है सर? ये जो 40,000 है ना, ये मोबाइल का प्राइस है, समझ रहेगा, ये 40,000 मोबाइल का प्राइस है। तो सर 4,000 क्या है? कॉमन सेंस की बात है बेटा, ये इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट, ठीक है। मुझे ये बात बताइए कॉमन सेंस, क्या ये इंटरेस्ट वैल्यू में ऐड होना चाहिए? क्या ये इंटरेस्ट लोन एडवांस वगैरह का है कि सीधा बिजनेस का है? जरा यहां पे देखिए, डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये सब तो ठीक है, ये इंटरेस्ट वैल्यू में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये वाला इंटरेस्ट, ये 4,000 वाला इंटरेस्ट वैल्यू में ऐड होना चाहिए। यस, ये इंटरेस्ट वैल्यू में ऐड होना चाहिए, बिल्कुल। ये कहां पे है ये भी मैं आपको बता देता हूं, आप पेज नंबर चाहो तो निकाल सकते हो। Consideration, this is interest for delay in late payment, delay in payment, delay late payment नहीं, delay in payment। ये आप देख सकते हो पेज नंबर 179 पे एक टेबल बनाया हुआ है बेटा, चलो मैं दिखाई देता हूं जरा एक बार, एक सेकेंड मैं ही दिखा देता हूँ। 115-119 पेज पे था यह, पेज नंबर 179। हाँ ये देखिए, इंक्लूजन इन वैल्यू, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट। आप ये जो कंसिडरेशन है 40,000, इसको डिले कर रहे हो, इसीलिए आप ये 4,000 का इंटरेस्ट दे रहे हो। तो दिस इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन वैल्यू, दिस इज टू बी एडेड इन वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई? टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी निकालने के लिए, अब जीएसटी कितने पे लगेगा सर? 40,000 प्लस 4,000, इसको वैल्यू में ऐड करना, यानी 44,000 पे जीएसटी लगाया जाएगा। अब मेरा सवाल, ये तो ठीक है, अब इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन क्या आया सर? ये जो चार इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट में से वो एक इंस्टॉलमेंट डिले करता है, वो कस्टमर क्या करता है सर? इसके अंदर एक इंस्टॉलमेंट में डिले हो जाता है, डिले इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इस पे डिले हो जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर कस्टमर फेल कर जाता है या कस्टमर बेटा डिले कर जाता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? कस्टमर फेल्ड और डिले टू इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो जो उसके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट लगाया गया या लेट फी लगाई या पेनल्टी लगाई 500 रुपए की,
क्या ये 500 रुपए की पेनल्टी वैल्यू में ऐड होंगी? आंसर इज बिग यस, इट विल बी एडेड इन द वैल्यू, यानी ये रिवर्स होगा, इसका डेबिट नोट बनेगा 500 रुपए का, उस पर एडिशनल जीएसटी भरना पड़ेगा। समझ आया? अरे हाँ कि ना, आप कैसे बोलोगे? आई एम सॉरी, ये समझ आया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और चीज आपको बता। अब इसको जरा यहां से लिंक कर दो एक बार, यहां देख लो। डिले इन पेमेंट कंसिडरेशन, हाँ। इंटरेस्ट रेसिस पेनल्टी, हाँ। ऐड करना है, हाँ। एडिशनल, यस ऐड करना है। सेकेंड हो गया। अब जरा मैं इस पे आ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, ये क्लैरिफिकेशन है, ये केस वन है। मैं आता हूं बेटा केस टू के ऊपर, केस टू। ठीक है, चलिए केस टू भी स्टार्ट करेंगे। आप अगेन वही मोबाइल शॉप, आप आए मेरे पास, दो हाथ दो पैर, ठीक है, मोबाइल खरीदने। मोबाइल का प्राइस कितना? सेम 40,000। ठीक है, फोर्टी थाउजेंड। आप आए भैया इंस्टॉलमेंट में चाहिए, मेरे पास आए, मैंने आपसे कहा मेरे पास इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं है। क्या बोला मैंने? आई एम नॉट हैविंग एनी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। लेकिन हमारा बजाज फाइनेंस से टाइप है, टाइप यानी आपको बजाज फाइनेंस जरूर ये सॉरी सॉरी बजाज फाइनेंस ये फैसिलिटी आपको दे सकता है। ठीक है ना, आपने कई जगह देखा होगा बजाज फाइनेंस ये सब रहता है। अब इस केस के अंदर मोबाइल की टैक्सेबल वैल्यू 40,000 ही रहेंगी। मैंने आपसे कोई डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन मैंने आपसे चार्ज नहीं किया। मुझे तो आज क्या 40 कौन देगा? बजाज फाइनेंस दे देगा, मैं तो 40,000 का बिल बना दूंगा जी। अब आपका दो ट्रांजैक्शन हो गए, एक मोबाइल शॉप और कस्टमर का, एक बजाज फाइनेंस और कस्टमर का, समझ लो बात। अब आपका फिर से दूसरा ट्रांजैक्शन होगा किससे? बजाज फाइनेंस से, बजाज फाइनेंस। ठीक है, इससे अब आपका ट्रांजेक्शन होगा क्या? अब इसकी और आपकी डीलिंग समझ लीजिए। मोबाइल का प्राइस तो ये पे कर ही रहा है, कितना? 50,000। ये पहली चीज। दूसरा वो बोलता है भैया इंटरेस्ट, हाउ इंटरेस्ट तो लगेगा, इंटरेस्ट 4,000। बेटा ये इंटरेस्ट काय का है? ये सॉरी 40, एक मिनट, ये 4,000 इंटरेस्ट का है क्या? ये डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का इंटरेस्ट है? ना सर, ये इंटरेस्ट है लोन एडवांस का। बजाज फाइनेंस ने आपको 40,000 का लोन दिया मोबाइल खरीदने के लिए, लोन एडवांस का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहता है। दिस इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट। क्या है ये इंटरेस्ट? एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। ठीक है, और तीसरा क्या? तीसरा मान लीजिए इन्होंने एक प्रोसेसिंग फीस, एक और गाड़ी कर देते हैं, प्रोसेसिंग फीस ली 1,000 रुपया। अब मुझे बताओ जीएसटी किस पे लगेगा? क्या प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी लगेगा? हाँ, प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी लगता है बेटा, प्रोसेसिंग फीस पे तो जीएसटी लगता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये 4,000 का जो इंटरेस्ट है ये इसमें ऐड करना क्या? ऐड करना क्या? नहीं। अब मुझे ध्यान देंगे आप लोग, जरा ध्यान देना। कस्टमर ने, अब कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर ने लोन, लोन का जो इंटरेस्ट है ना, लोन का, मैं हिंदी में लिख देता हूं, लोन का इंटरेस्ट ओवर ड्यू किया, फिर पेमेंट नहीं किया, ओवर ड्यू यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लिया, ओवर ड्यू कर दिया। देयर फोर अब बजाज फाइनेंस वाला क्या करेगा? बजाज देयर फोर बजाज फाइनेंस उस पे एडिशनल इंटरेस्ट लगाता है। क्या लगाता है? एडिशनल इंटरेस्ट लगाता है, या लेट फी लगाता है, या पेनल्टी लगाता है, कुछ तो भी लगाता है। कितना लगाता है?
₹500 की ये वैल्यू में ऐड करेंगे? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू। समझ रहे क्या भाई का? दिस इज नॉट टू बी एनी वैल्यू। क्यों? देयर फोर इंपॉर्टेंट लाइन, इफ ओरिजिनल इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट देन एडिशनल इंटरेस्ट विल ऑल्सो विल नॉट बी एडेड, एक मिनट, विल नॉट बी एडेड इन वैल्यू। आई होप ये आपको समझ में आया। समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस से प्रोसेसिंग फीस एक सर्विस है जो आपको दी, उस पे जीएसटी लगेगा। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, ये लोन दिया है, ये सर्विस नहीं दी, सर्विस अमाउंट ये है, इंटरेस्ट ये एग्जेम्प्ट है, प्रोसेसिंग फीस ये भी सर्विस अमाउंट है, लेकिन ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, इंटरेस्ट एग्जाम। देखिए बेटा, पैसा, कम ऑन, पैसा यूज करने के लिए क्या कंसिडरेशन है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट स्पेसिफिकली एग्जाम पढ़ा हमने लोन्स एंड एडवांसेस पे। इंटरेस्ट फॉर पेइंग कंसिडरेशन वो वैल्यू में ऐड होता है, वो एग्जाम नहीं है। आई बात समझ में? लोन्स एंड एडवांसेस वाला इंटरेस्ट एग्जाम है, सीधी सी बात। अब प्रोसेसिंग फीस भी एक तरह की सर्विस है जो बजाज फाइनेंस ने हमारे कस्टमर को दी, वो टैक्सेबल रहेंगी, वो ₹1,000 जीएसटी लगेगा, उसका बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हम यहाँ चीज अलग पढ़ रहे हैं। अब बेटा यही चीज आपको पूरा एज इट इज, यही यही क्लैरिफिकेशन था कि ऐसा ऐसा होगा, 500 एक पहले केस में ऐड होंगे, पहले केस में ऐड नहीं होंगे, दूसरे केस में ऐड होंगे, यही अपन ने देखा था। अभी देख लो आप, सॉरी, दूसरे केस वाला ऐड नहीं होगा, पहला केस वाला ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। अभी ये कहां पे है जरा मैं आपको बता देता हूं, सेकेंड चैप्टर में पेज नंबर आप निकाल लीजिए 119। ये देखिए बेटा, ये सब कुछ यहां पे दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट वही जो मैंने इलुस्ट्रेशन लिया है, ये एज इट इज यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और क्लेरिफिकेशन आया, जरा इसको भी देखना चाहेंगे हम। इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट, जरा ध्यान देना, ट्रांजेक्शन ऑफ लेवी ऑफ एडिशनल पीलियन इंटरेस्ट डज नॉट फॉल विद इन एम्बिट ऑफ 5E ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट, एज दिस लेवी ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट पीरियडली सेटिस्फाइड डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एज कंटेन्ड इन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। सर नहीं समझा, नहीं समझा तो मैं जो पेज नंबर बोलता हूं वो पेज नंबर एक बार निकाल लो बेटा, आप निकाल लिए पेज नंबर 32, मैं भी यहां निकाल रहा हूं, एक बार पेज नंबर 32 निकाल लिए। यहां पे 5E क्या लिखा है? एग्रींग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन। अब बजाज फाइनेंस वाले ने, आप ये जो पैसे नहीं दे रहे, आपने लेट इंस्टॉलमेंट दी, वॉट एवर, क्या उसने उसको टॉलरेट किया? वो एग्री किया उसने टॉलरेट करने के लिए? हाँ, फॉर अ कंसिडरेशन, बराबर है। ₹500 आपने एडिशनल फीस दिया तो उसने टॉलरेट किया आपकी लेट, जो आपने लेट किया उसको उसने क्या किया? टॉलरेट किया। तो अभी कोई बोलेगा सर इसमें डाल दे के इसको, नहीं, साफ साफ लिखा है, इसके लिए क्लेरिफिकेशन आया है। क्या क्लेरिफिकेशन सर? वही वाला, ध्यान देना, वो क्लेरिफिकेशन कहता है कि आप इसको 5E में नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डालना 5E में, इसके लिए क्लेरिफिकेशन। तो लोग दिमाग बहुत लगाते ना बेटा, ये देखिए, ये रहा, इट शुड नॉट, डज नॉट, जो पीनल इंटरेस्ट डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ 5E, मतलब उसके अंदर, यानी शेड्यूल 2 में आप नहीं डाल सकते, जो CGST हमने सप्लाई के चैप्टर में देखा था, उसमें आप इसको नहीं डाल सकते। आई बात समझ में? ठीक है, ये था क्लेरिफिकेशन, ये जो हमारा पेंडिंग था ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया बेटा। अब कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हैं, जरा वो देख लेते, अनसॉल्व वाले वो आपको करा देता हूं, तो बेटा ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहले बेटा मैं एग्जाम के क्वेश्चंस ले लेता हूँ, फिर आरटीपी के क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है ना। ये आरटीपी नवंबर 2019 का क्वेश्चन है, पहले ये एग्जाम कैसी, ये इंटर मई 2018 सेकंड क्वेश्चन, पहले ये ले लेते हैं, ठीक है। कैंडी ब्लू लिमिटेड मुंबई अ रजिस्टर्ड सप्लायर्स मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स एंड बिस्किट, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाई मेड बाय इट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019, ठीक है। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सप्लाइड इंटरस्टेट 12,40,000, ये गुड्स का प्राइस है जो उसने इंटरस्टेट सप्लाई किया। दूसरा ध्यान देना बेटा, आइटम्स ऑलरेडी एडजस्टेड इन द प्राइस गिवन इन वन अबाउ, यानी ये सब्सिडी ऑलरेडी ये माइनस कर चुका है, एडजस्टमेंट कर चुका है। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ बिस्किट टू गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिले तो माइनस करना चाहिए, हाँ सर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा किया माइनस किया तो कोई हरकत नहीं। सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट इज टू बी एडेड टू प्राइस, यानी ये ऐड करना पड़ेगा, गलत किया एडजस्ट करके वापस ऐड करना पड़ेगा। ओके, आइटम्स नॉट एडजस्टेड, ये आइटम्स को एडजस्ट नहीं किया है। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, क्या वैल्यूएशन में ऐड होता है, हाँ, एनी पर्सन, जीएसटी के अलावा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपेंसेशन, ये पांच के अलावा कोई भी टैक्स हो, द टैक्स विच इज नॉट सबसम्ड इन जीएसटी उसको एडबैक करना पड़ता है। पैकिंग चार्जेस, यस करना पड़ता है। लेट फी बाय रिसिपिएंट, डिले इन पेमेंट इनवॉइस, यस करना पड़ता है। तो भैया आंसर बस ये 12-40 में से ये चारों ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, इतना आसान है। तो इसको लिखेंगे कैसे सर, वो भी तो बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर टू है ना, क्वेश्चन नंबर टू ही है ना बेटा, हाँ। तो कैंडी ब्लू लिमिटेड, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स या जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल बाय कैंडी ब्लू ब्लू लिमिटेड, ठीक है। अब कॉलम बनाइए, देखिए इसी टाइप से एग्जाम में करना है बेटा, गड़बड़ करना नहीं है, ध्यान देना जरा। यहां पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, रुपीस, ठीक है। अब सबसे पहला क्या दिया है आपको, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, लिस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कितना दिया है 12,40,000। अब इसमें से ऑलरेडी आप जो एडजस्टमेंट कर चुके हैं, अब सबसे पहला एडजस्टमेंट है आपका बेटा सब्सिडी, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, तो इसका क्या करो, इसका क्या करना चाहिए, कुछ करना है क्या इसका, आप बताओ, इसका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें रीजन याद, यही के रीजन लिखे मेरे हिसाब से, सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू। अब ये ऑलरेडी एडजस्ट करी हुई है इसलिए यहां पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, दूसरा आपको दिया है सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन, सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन, दिस सब्सिडी, नहीं ऐसा नहीं लिखिए, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, कितना, कितना दिया बेटा 30,000, ठीक है। इसके बाद कुछ और एडजस्टमेंट दिए हैं,
अदर एडजस्टमेंट, यहां लिख दो अदर एडजस्टमेंट। सबसे पहला मुझे बताइए टैक्स लेड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी, ऐड करना पड़ेगा, यस टैक्स लेवीड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी। क्यों ऐड करना पड़ेगा सर? टैक्सेस, यहां लिख सकते टैक्सेस अदर देन सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यूटीजीएसटी कंपेंसेशंस आर टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू। ऐसे रीजन वही के वही लिख देना, तो उसमें क्या होगा एग्जामिनर को ज्यादा तकलीफ नहीं जाती बेटा। तो इंक्लूड करना पड़ेगा वैल्यू में, कितना है ये कितना दिया है बेटा 24,000 24,000, ये भी ऐड करना पड़ेगा। मैं अगले पेज पे आ रहा हूं, ठीक है। इसके बाद और क्या था, पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस तो वैल्यू में इंक्लूड करते, पैकिंग चार्जेस यहां आप लिख सकते हैं एनी अमाउंट चार्ज कॉस्ट ऑफ, मतलब एनी अमाउंट चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम और बिफोर, जो भी है तो वो ऐड होता है, आपने देखा था। ये इंसिडेंटल चार्जेस है, इंसिडेंटल चार्जेस टू सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई आर टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू, ठीक है। पैकिंग चार्जेस कितने दिए बेटा 12,000, ठीक है 12,000 पैकिंग भी इंक्लूड, ये भी ऐड हो गया। उसके बाद और एक चीज दी है लेट फी पेड फॉर डीले, डीले पेमेंट ऑफ इनवॉइस, डीले इन पेमेंट ऑफ इनवॉइस शेल फॉर्म पार्ट लेट फीस, यहां मैं लिख देता हूं लेट फी, इट शेल, ये रीजन आप अपने मन से भी लिख सकते हैं लेकिन वर्ड यही हो, मतलब वर्ड्स थोड़े कम जा चलेंगे, मतलब यही निकलना चाहिए लेट इट शेल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। कितनी लेट फी बेटा 5,000, तो चलिए टोटल कर लो आप, अब इसका क्या आएगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना आता है 1240 प्लस 30 1270, 1270 प्लस 24 1294, 1294 प्लस 12 प्लस 5 13,11,000। और आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, बस जीएसटी निकालने का नहीं बोला, क्या बोला है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो बस उत्तर कर देना देयरफॉर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज इक्वल टू 13,11,000, बस काम खत्म, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू। इसके बाद एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री भी कब का है, मई आरटीपी का है क्वेश्चन नंबर थ्री, तो क्वेश्चन नंबर थ्री को बाद में लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर पहले ले लेते हैं, ये है आपका आईपीसीसी मई 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड डीलर फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू गोल्ड सोल्ड बाय इट टू श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इन कोर्स ऑफ इंटरेस्टेड प्राइसेस ऑफ द गुड्स 1,00,000 है, म्यूनिसिपल टैक्सेस 2,000 ऐड करते हैं, हाँ सर बिल्कुल करते हैं, इंस्पेक्शन चार्जेस यस सर ये भी ऐड किए जाते हैं, सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम श्रीराम ट्रस्ट ये एक अलग ट्रस्ट है ऐड किए जाते हैं, हर तरह की सब्सिडी ऐड होती है एक्सेप्ट बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। लेट फी फॉर डीले पेमेंट, डीले पेमेंट की लेट फी, लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा है दो श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड मेड लेट पेमेंट बट दीज चार्जेस आर वेव्ड बाय, वेव्ड मतलब रिसीव हुआ क्या, नहीं रिसीव नहीं हुआ तो ये पेनल्टी नहीं लगेंगी, काम खत्म, पैसे ही नहीं आए तो वैल्यू में ऐड करने का सवाल ही नहीं उठता। श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड पेड टू राधे प्राइवेट लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, पेमेंट चार्जेस एड किया जाता है,
अब बेटा इसके अंदर सिंपल है, 1 लाख चलिए कर लेते हैं सॉल्व इसके अंदर। करेंगे कैसे, वही कैलकुलेशन सेम, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। अब मैं रीजन आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन मैं रीजन यहां लिख नहीं रहा हूं एज यूजुअल, नहीं एज यूजुअल नहीं। चलिए पहले प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स क्या है, 1 लाख। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या ऐड करना है, म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स क्यों ऐड कर रहे हैं, रीजन आपको मालूम है, सीजीएसटी एससीएसटी आईजीएसटी यूटीजीएसटी कंपनसेशन सेस के अलावा कोई भी तरह का टैक्स वगैरह रहता है तो वो ऐड किया जाता है। रीजन आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। कितना है, 2000। वर्किंग नोट अलग से बनाने की जरूरत नहीं, ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या दी हुई है, इंस्पेक्शन चार्जेस ऑब्वियसली ऐड होंगे, इंस्पेक्शन चार्जेस, एनी चार्जेस चार्ज बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, बराबर है सब, एट द टाइम ऑफ सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर टू बी एडेड, इंस्पेक्शन चार्जेस एड किए जाएंगे 15,000। तीसरा, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट। अब ये कौन सी सब्सिडीज है, डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, बराबर है, प्राइस को लिंक कर रही है सब्सिडीज, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट ऐसा कुछ तो भी है ना, आर टू बी यूज बाय ब्लाइंड एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन इट इज रिसीव फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट, इसीलिए नॉट रिसीव बाय गवर्नमेंट, इसलिए एड होगा सब्सिडी, सब्सिडी एड की जाएगी। कितनी है बेटा, 50,000। इसके बाद चौथा क्या है, लेट फी फॉर डिले पेमेंट, इसका क्या होगा, सर वैसे तो ये ऐड करते हैं, बट इट इज टू बी एडेड, बट सिंस इट इज नॉट रिसीव्ड हेंस नॉट विल बी, हेंस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू, यानी कुछ भी नहीं होगा, जोड़ेंगे नहीं। और पांचवा दिया वेमेंट चार्जेस। अमाउंट पेड, इसको बोलेंगे द अमाउंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे, जो सप्लायर लायबल था लेकिन उसके बिहाफ में आपने पेमेंट कर दिया, उसके भी आप में अगर आपने पेमेंट किया किसी को तो वो भी ऐड किया जाएगा बेटा। कितना अमाउंट है, 2000, यानी अगर इसकी टोटल मारे तो 1,02,000, 1,04,000, 19,000 प्लस 1,69,000 आ गया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाइज, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। चौथा भी हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते बेटा, फिर 5 वाला क्वेश्चन भी आपका ये है ना, कैंडी नहीं, 5th क्वेश्चन कौन सा है, अचिंत्य, अचिंत्य वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अचिंत्य रजिस्टर्ड सप्लायर कोची का है, ठीक है, यहां देख लेते ना, हाँ, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ कोची हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड विद इन इंट्रा स्टेट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड सप्लाई इंट्रा स्टेट एक्सक्लूसिव ऑफ आइटम गिवन टू और 2 to 5, ठीक है, 3,30,000 लिस्ट प्राइस। स्वच्छ भारत सेस लेविट, बोलो ऐड होगा कि नहीं, सर 100% ऐड होगा, एनी टैक्स एनी सेस अदर देन सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यूटीजीएसटी कंपनसेशन सेस ऐड होगा। 10,000 पैकिंग एक्सपेंस एक्सटर्नली चार्ज इंसिडेंटल एक्सपेंस 15 टू डी, इंसिडेंटल एक्सपेंस का क्या सेक्शन था, सेक्शन नंबर याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी देख सकते हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंस ये रहा 15 टू बी, बराबर 15 टू सी, सही बोला था मैंने, 15 टू सी, एनी चार्जेस उसको एड करना पड़ता है। तो चलिए ठीक है सर कर लेते हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंस ऐसा लिख सकते बेटा आप, इंसिडेंटल एक्सपेंस इसलिए ऐड कर रहे हैं। और किस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, आप उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, मतलब कैसे लिखना एग्जाम में वो तरीका ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चंस में दिया हुआ है, आई बात समझ में, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन लिस्ट प्राइस, ठीक है, विच वॉज प्रोवाइडेड, ये भी करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनकरेजिंग वुमेन, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी मिले तो वैल्यू से माइनस किया जाता है, 5,000 माइनस करना पड़ेगा, यानी 3,30,000 में
5,000 सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली जो माइनस, प्लस 12,500 करना पड़ेगा, प्लस 10,800 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसकी टोटल कितनी आएंगी बेटा, 3,30,000 प्लस सॉरी माइनस 5,000 प्लस 12,500 प्लस 10,800, कितनी आई टोटल, 3,48,300, 348,300। इसमें 1% डिस्काउंट जोड़ा है इनवॉइस प्राइस पे, 1% डिस्काउंट इनटू 1% माइनस करेंगे तो 344, इसमें डिस्काउंट माइनस करेंगे, लेकिन डिस्काउंट कितने पे माइनस करना है, ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स वाज प्रोवाइडेड। ओके, लिस्ट प्राइस जो है वो 3,30,000 है, सॉरी लिस्ट प्राइस पे होगा तो 3,30,000 1% यानी 3,300, 3,30,000 का 1% यानी 3,300, 3,300 का डिस्काउंट होगा तो 348,300 माइनस 3,300, ये ध्यान अच्छा चला गया बेटा, लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट करना, ये ध्यान रखना, नहीं तो इसका डिस्काउंट गलती से मत कर देना, यानी ये हो गया 3,45,000। और आपको कैलकुलेट करना है टैक्सेबल सो है ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी, तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, तो ऐसा लिख सकते हैं 3,45,000 इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, इसके ऊपर जीएसटी, सीजीएसटी एट द रेट 9%, एसजीएसटी एट द रेट 9%, ठीक है ना, इंटू 9% कितना 31,050। टोटल जीएसटी कितना होगा, टोटल जीएसटी लायबिलिटी कितनी आएंगी बेटा, 31,050 62,100, ठीक है ना, 62,100। आसान था ये भी क्वेश्चन, अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, दो क्वेश्चन हमारे रह गए बेटा, एक है आपका फ्लूप्रो लिमिटेड और उसके बाद है आपका, हाँ ये आरटीपी नवंबर 2019 का क्वेश्चन है बेटा, एकदम आसान है, लिस्ट प्राइस वाला ही है क्या, हाँ प्राइस ऑफ मशीन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड इंसिडेंटल चार्जेस, 30,000 प्राइस ऑफ मशीन दिया है, मशीन वॉज सब्जेक्ट टू थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन चार्जेस हैव बीन पेड डायरेक्टली बाय बीपी लिमिटेड, फ्लोप्रो लिमिटेड ने बीपी लिमिटेड को दिया टू द इंस्पेक्शन एजेंसी। अब ये इंस्पेक्शन चार्जेस भी वैल्यू में आने चाहिए, बराबर है, 5,000 एड होना चाहिए, ठीक है। फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ मशीन, फ्लोप्रो हैज एग्रीड टू डिलीवर मशीन एट बीपी प्रीमाइसेस, ठीक है, तो ये 2,000 भी फ्रेट ऐड किया जाएगा क्योंकि ये कौन बेयर कर रहा है, फ्लोप्रो लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ मशीन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, लिंक हो या नहीं हो स्टेट गवर्नमेंट से मिली मतलब माइनस करना पड़ता है, डिस्काउंट ऑफ 2% इज ऑफर्ड टू बीपी ऑन द प्राइस ऑन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, ठीक है, तो 2% प्राइस रिकॉर्डेड इन इनवॉइस और रिकॉर्डेड इनवॉइस, प्राइस क्या है मशीन का 30,000। चलिए बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, है ना, इसके अंदर सिंपल है, ये देखिए पर्टिकुलर्स रुपीस, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्राइस ऑफ द मशीन कितना दिया है 30,000, इसमें से सबसे पहले माइनस कर दीजिए सब्सिडी बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लिखा इसलिए 5,000 माइनस हो जाएंगे, और क्या होगा सर, थर्ड पार्टी इंसिडेंटल चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस बराबर है, ये क्या कौन से चार्जेस है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, तो ये कितने है 5,000, ये ऐड कर दिए जाएंगे, ये माइनस होगा, ये ऐड किया जाएगा, और क्या है फ्रेट चार्जेस, आउटवर्ड फ्रेट नहीं है ये, उसके घर तक का फ्रेट है तो ये इंक्लूड होता है वैल्यू में, फ्रेट चार्जेस, ये भी ऐड करना पड़ेगा बेटा, फ्रेट चार्जेस कितने 2,000 रुपए है, इसके अलावा और क्या क्या है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट ये तो आपने माइनस कर दिया, डिस्काउंट 2% ऑफर हुआ, सबसे पहले ये देख लो कितना होता,
32,000 हो रहा है, ठीक है 32,000। अब डिस्काउंट 2% किस में हो रहा है, 30,000 में, प्राइस में बोला है, तो कितना होता है इसका 2%, 30,000 का 2% मेरे हिसाब से 600 रुपये होगा इंटू 2%, लेकिन देख लेना चाहिए। हाँ डिस्काउंट 600 रुपीज, ठीक है 2% ऑफ 30,000, तो कितना होता है 600 रुपये इसमें से माइनस, 31,400, ये आपके आ गई टैक्सेबल वैल्यू 31,400। बराबर है, आपको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन में ये भी लिखा है, आइटम नंबर फ्रॉम सीरियल नंबर 2 to 5 है नॉट बीइंग कंसीडर्ड इन द प्राइस एट सीरियल नंबर 1, टैक्सेबल सप्लाई आपको निकालना है। आंसर इजी है, नवंबर 2019 आरटीपी का क्वेश्चन है। खैर आरटीपी से ज्यादा आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात करेंगे, तो भी देखिए बेटा आप सोच के देखो कितना आसान क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ रहे हैं, और इस चैप्टर से टाइम ऑफ सप्लाई पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं और वैल्यू पे भी आते हैं, करके मैं कह रहा हूँ 7, 6 से 8 मार्क बहुत चांसेस है इस पे, तो जीएसटी बहुत आसान हो जाता है बेटा आप लोगों के लिए स्कोर करना। बस अच्छे से आपको वीडियोस देख के थरो करना है, थरो, नोट्स के बाहर का कुछ आएगा नहीं, नोट्स के बाहर का सिर्फ एक जो नवंबर के लिए जो अमेंडमेंट्स रहेंगे वो मैं आपको अलग से एक लेक्चर उसका शूट करके दूंगा, बराबर है। तो आप लोग, और नोट्स भी उसके अलग से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, उसका आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बच रहा है बेटा अपना रमन लिमिटेड वाला, चलिए वो भी देख लेते हैं। हाँ ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर मई 2018 एग्जाम में, ठीक है। रमन लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन मुंबई महाराष्ट्र, हैज सप्लाई गुड्स टू साहिल ट्रेडर्स एंड जग्गी मोटर्स लोकेटेड इन अहमदाबाद गुजरात एंड पुणे महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली। साहिल जो है वो अहमदाबाद का है, मतलब आईजीएसटी वाला काम हो गया, और ये जो है पुणे का है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र यानी ये सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला काम हो गया, ठीक है। रमन लिमिटेड फॉलोइंग फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी 20,000, पैकिंग चार्जेस 600, कमीशन 400, और जग्गी लिमिटेड को दिया तो 15,000, 1,000 और 500, ठीक है। आइटम गिवन इन पॉइंट्स 2 to 5, ये देखिए अब यहाँ पॉइंट नंबर लिखना रह गया, लेकिन ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। हैव नॉट बीन कंसिडर्ड, कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता बेटा। देखो 20,000 प्लस 600 प्लस 400 ये क्या हो गया 21,000, अब ये 21,000 हो गया, ठीक है। आपको निकालना है जीएसटी लाइबिलिटी फॉर ऑफ रमन लिमिटेड, रमन कितना जीएसटी पे करेगा बेटा, ये 21,000 पे क्या लगेगा आईजीएसटी, 21,000 का कितना 18%, ये सॉल्व करना भी मतलब मैं करूंगा नहीं, 3780 आईजीएसटी पे करना, सिंपल है। और जग्गी मोटर्स की अगर बात करें तो 15,000 प्लस 1,000 प्लस 500, 16,500 पेमेंट चार्जेस, हाँ डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, ओके 15,000 प्लस 1,000 यानी ये 500 माइनस होगा, सॉरी बेटा 15,500 होगा, ये इनवॉइस में रिकॉर्ड किया प्रॉम्प्ट पेमेंट, बराबर है ना 15,500, तो 15,500, और ये अज्यूम कर लीजिए ये की डिस्काउंट में, हाँ सूटेबल अजम्पशन ये यहां लेना पड़ेगा बेटा, लिखा है सूटेबल अजम्पशन। अगर ये डिस्काउंट पहले ही बताया होगा कि अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं करोगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये पहले बताया होगा तो ही ये डिस्काउंट माइनस होगा। अगर ऐसा पहले नहीं बताया है और बाद में माइनस किया है, भले ही इनवॉइस में रिकॉर्ड किया वो एड हो जाएगा वैल्यू के अंदर, ठीक है ना। तो ये 15,500 इसका इसका टोटल कितना 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, यानी 15,500 इंटू 9% यानी 1,395 और 1,395, मतलब इसकी सीजीएसटी लाइबिलिटी 1,395 आती है, इसकी एसजीएसटी लाइबिलिटी 1,395 आती है, और आईजीएसटी लाइबिलिटी 3,780 आती है। इतना आसान क्वेश्चन है ये, आई बात समझ में, बस उसमें वो एक अजम्पशन लेना पड़ेगा ये क्वेश्चन के अंदर कि भैया डिस्काउंट इज नोन एट द टाइम,
अगर ये डिस्काउंट, ये देखिए, अगर ये जो डिस्काउंट है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो फिर वो तकलीफ हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए, वैसे नोन प्रॉम्प्ट पेमेंट का रिकॉर्डेड इन इनवॉइस था, तो इनवॉइस में रिकॉर्डेड है मतलब वो प्रॉम्प्ट पेमेंट का नोन एट द टाइम होता है, क्योंकि जब इनवॉइस इशू किया, कई बार इनवॉइस के अंदर नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस कि अगर आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। आई बात समझ में? तो चलिए, हाफ सिलेबस अपना कंप्लीट हुआ। अब ऐसा इसको हाफ मत समझना बेटा, क्योंकि ये अगर ये चैप्टर होने के बाद, इनपुट टैक्स क्रेडिट होने के बाद, बाकी चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, दो दो लेक्चर्स के काम है। तो अगर आज मैं आपको बताऊं तो हमारा 4 + 8 14 लेक्चर्स का और काम बचा है, यानी हमारे 15 हो गए, 14 और है, 4 + 8 12 लेक्चर्स और है, सॉरी 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 14 नहीं, 12 लेक्चर्स और है। टोटल 27 लेक्चर्स में आपका जीएसटी हो जाता है, 12 लेक्चर्स और बचे हैं जो आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज यही रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फॉर स्टडिंग, और आगे भी बहुत काम आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, पहले भी बहुत ये देखा था अपन ने, सी फाइनल लेवल में बेटा काफी काम आता है। ठीक है, तो आज यही रोकते हैं दोस्तों, बाय।